ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ये कॉमन सेशन है। मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो IAS 12, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 706 और IND-AS 12 का तीनों का कॉम्बिनेशन हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरे लेक्चर की जो थीम है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं एक एक, क्योंकि बिकॉज मैं इंटरनेशनल कोर्सेज में CPA भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, USCA में भी और डिप्लोमा इन IFRS भी, और सब में ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डेप्थ लेवल पर है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो थीम है वो ये है कि सबसे पहले हम पूरा IND-AS 12, IAS 12 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे। फिर रिस्पेक्टिव बैचेस में जो अभी बिल्कुल नई बैच 1 जुलाई से हमारी स्टार्ट होने वाली है फार की, उस बैच में इसके सिमुलेशंस को भी मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। इस बार सिमुलेशंस में हम लोग सारे जनरल एंट्री वाले सिमुलेशंस, रिसर्च बेस वाले सिमुलेशंस वो सॉल्व करेंगे। डिप्लोमा इन IFRS के लिए पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चंस हम करेंगे। USCMA में इसके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले समय में आएंगे जो कि एक फिक्स टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमारा टारगेट ये है कि जो भी डिफिकल्ट एरियाज हैं, स्पेशली अगर USCPA के रिस्पेक्ट में पहले बात करें तो USCPA में जो डिफिकल्ट एरियाज हैं जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन है, डेरिवेटिव्स हैं, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद आप बॉन्ड वैल्यूएशन, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको मैं एक अलग से सेशन में एक समराइज वे में आपको समझाऊंगा और वो समराइज वे के आपको नोट्स भी मिलेंगे ताकि आपका फार सेक्शन, न केवल फार सेक्शन, इवन आने वाले समय में इसमें ऑडिट सेक्शन, रेगुलेशंस के बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स लाइक रेगुलेशन में अगर मैं बात करूं तो सी कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन, कैपिटल गेन, और अगर बिजनेस सेगमेंट में अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, हमारी मेन बैच अलग चल रही है, जो हमारी मॉर्निंग की बैच है वो जो एज इट इज चलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट का सैटरडे संडे क्योंकि सभी लोग फ्री होते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से सीरीज चलाई जाए जिसमें कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स को क्या करें हम लोग कवर करें। तो इसमें हम लोग सिमुलेशंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ केस स्टडीज भी सॉल्व करेंगे और IFRS स्टूडेंट के लिए पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चन कैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी वो रिस्पेक्टिव टाइम में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कॉमन बैच का पर्पस सभी को टुगेदर करके एक इंटरनेशनल करिकुलम को बहुत डिटेल समझना, तो पूरा ये टारगेट ये मेन बैच में भी कवर होगा लेकिन मेन बैच से ज्यादा डेप्थ में यहां पर कवर होगा। आपको इसके रिस्पेक्टिव नोट्स भी मिलेंगे। पहले पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा हर वो चीज अच्छे से, जनरल एंट्रीज से लेके उसके एक्सप्लेनेशन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके सिमुलेशंस, और इन सारी रिकॉर्डेड वीडियोस का आपको एक पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा पूरा संभाल कर एक लाइन में, ताकि जब आप फार सेक्शन को USCPA में और USCMA का जब फर्स्ट पार्ट आप एग्जाम देने जाएं तो आपके पास एक एसेट होनी चाहिए जिसमें सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। हमारा मेन टारगेट इसमें यही है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है IAS 12। IAS 12 हमारा ये वाला सेगमेंट है जिसको कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सो इस सेगमेंट में हम बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और बहुत लेमेन टर्म में भी चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर IAS 12 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन या IND-AS 12, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस पर्टिकुलर अकाउंटिंग सेगमेंट को ये कवर करता है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट का जो नाम है ये टैक्सेशन की अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करता है। जब कभी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको इनकम टैक्स की अकाउंटिंग करनी होती है और इनकम टैक्स की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी ये सारी बात हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में, सेगमेंट में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल लेमेन टर्म से कि सर इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंटरनेशनली देखिए US गैप इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 706 में कवर करता है। IFRS जिसको कि जिसकी गवर्निंग बॉडी IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड,
जो कि IAS 12 में इसको कवर करता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको इंड एस 12 में क्या करता है, कवर करता है। तो सबका ऑब्जेक्ट मोर और लेस सेम ही है, कुछ डिफरेंसेस होंगे उसको हम क्या करेंगे यहां पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर ओवरव्यू के बारे में बात करें, एक सेकंड। तो सर इनकम टैक्स की अकाउंटिंग का ओवरव्यू अगर हम समझें तो सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स इंप्लीमेंटेड सो कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट मेथड फॉर अकाउंटिंग। सो आप सभी को इस बात को ध्यान रखना होगा कि सर जब कभी भी हम IAS 12 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो जो अप्रोच होगी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट अप्रोच। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट अप्रोच होती क्या है, हमें इसको भी समझना है। सो अभी आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट शायद हो सके कि ये बात समझ में ना आए कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ओवर दी आफ्टर हाफ एन आवर और या एक लेक्चर को फिनिश करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सेकंड जो बुलेट पॉइंट्स है उसमें एक चीज मेंशन है, विच रिकॉग्नाइज बोथ करंट टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड द फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस। तो अब यहां पर एक वर्ड आया है करंट टैक्स, तो अब इस करंट टैक्स के वर्ड को हमने बहुत अच्छे से समझना है। सो एक एक टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे कि सर करंट टैक्स का मतलब क्या होता है। सो जो करंट टैक्स है, देखिए करंट टैक्स में भी मैं और डिटेल में एक वर्ड लिख दे रहा हूं, करंट पोर्शन या ओनली करंट ईयर के बारे में बात हो रही है। मतलब ये प्रोविजन कहना चाहता है कि अगर आपने किसी कंपनी की टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है और उसके बिजनेस के ऊपर क्या टैक्स की लायबिलिटी आएगी उस पर्टिकुलर करंट ईयर में, जैसे मान के चलिए आपने 2020 में नेट प्रॉफिट कमाया बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट जो होगा ना ये वाला, ये नेट प्रॉफिट हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए हर कंट्री का है ना टैक्स लॉ अलग अलग होता है, जैसे US में अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां पर टैक्स कोड चलते हैं, क्या चलते हैं टैक्स कोड, और गवर्निंग बॉडी है IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, फेडरल गवर्नमेंट जिसको हम कह लें, तो वो टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज को गवर्न करती है। उसी तरीके से अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन की जो बॉडी है वो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको इनकम टैक्स आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी आई है तो उस लायबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए आपको उस पर्टिकुलर कंट्री के टैक्स लॉ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, और उस कंट्री के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो उस कंट्री के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जब टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं ना, तो टैक्स लायबिलिटी में आपको उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम जनरली नॉर्मली भी बनाते हैं। देखिए आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वो एक बनाते हैं बुक्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इंटरनेशनली अगर हम बात करें टू बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ द अकाउंटिंग, एक चलता है US GAAP और एक चलता है IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा और कोई भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो जो US कंपनीज होती है ना, US कंपनीज ही क्या करती हैं, US GAAP के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है। और अपार्ट फ्रॉम US कंपनीज IFRS, जैसे इंडिया भी IFRS, जो इंडिया कंट्री है उन्होंने भी IFRS को अडॉप्ट कर लिया और अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जिसको कि हम इंड एस के नाम से जानते हैं। तो US कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है US GAAP के अकॉर्डिंग, अदर देन US कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एज पर IFRS।
तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बने होते हैं यूएस गैप और आईएफआरएस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें जो टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है ना, उसके लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट किसके अकॉर्डिंग करना होता है? एज पर टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री। तो यूएस में जो इसकी गवर्निंग बॉडी है वो आईआरएस, तो आईआरएस के टैक्स कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स की लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। और टैक्स की लायबिलिटी के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट या लॉस, और उस प्रॉफिट और लॉस जो कि टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है उसके ऊपर, उस कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट को लगाकर हम क्या निकालते हैं, करंट टैक्स। तो सर इसका मतलब आप नटशेल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो करंट टैक्स होता है ना, करंट टैक्स का मतलब होता है कि आप सबसे पहले क्या निकालें, आपकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कीजिए, और इस टैक्सेबल कैलकुलेशन के ऊपर जो टैक्स रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो टैक्स रेट निकाल कर जो टैक्स की लायबिलिटी आती है करंट ईयर की केवल, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट टैक्स। तो करंट टैक्स के लिए हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? सर एज पर द इनकम टैक्स लॉ प्रॉफिट चाहिए। लेकिन हम हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तो वो एज पर टैक्स लॉ नहीं बनाते हैं, वो हम अगर यूएस में हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, यूएस गैप के अकॉर्डिंग, और अगर हम यूएस के अलावा हैं तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग। तो यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर क्या एप्लीकेबल होंगे, टैक्स कोड। तो जब दोनों कंपनी के दोनों दो प्रॉफिट्स आ जाते हैं हमारे सामने, एक आ जाता है यूएस गैप के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ जाता है और एक हमारे पास आ जाता है टैक्स कोड के अकॉर्डिंग, तो दोनों के प्रॉफिट में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और इन डिफरेंसेस को ही हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले। तो अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी सर, करंट टैक्स कंसीक्वेंस एंड फ्यूचर टैक्स कंसीक्वेंस। तो इसका मतलब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन है, ये ना केवल आपको करंट पोर्शन ऑफ टैक्स के बारे में नॉलेज देगा, बल्कि आपको फ्यूचर टैक्स कंसीक्वेंस क्या हो सकता है उसके बारे में भी आपको इसके ट्रीटमेंट को समझाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इनकम टैक्स आर टू रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ टैक्सेस करंटली पेबल और रिफंडेबल। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि आपको ये बताना कि आपको करंटली कितना टैक्स पे करना है या कुछ टैक्स रिफंड लेना है। तो जब आप यूएस सीपीएम स्पेशली जब आने वाले समय में रेगुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एक एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हमने कुछ एडवांस टैक्स, तो आप क्या होता है कि देखिए इनकम तो रोज अर्न करते हैं, इनकम डेली अर्न करते हैं, लेकिन टैक्स हम ईयर के एंड में क्यों भरें? तो हर कंट्री की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जैसे जैसे आप इनकम करें ना, उस इनकम को एस्टीमेट करके आप एडवांस में ही टैक्स भर दीजिए। और एडवांस टैक्स अगर आपने जो आपकी फाइनल लायबिलिटी से ज्यादा भरा है तो फिर उसका आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। बट ये टैक्सेशन के जो कॉन्सिक्वेंस है ये हम टैक्स लॉ में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट क्या है कि करेंटली कितना टैक्स पेबल है और कितना रिफंडेबल है उसको डिटरमाइन करना। सेकेंड वर्ड अगर हम देखें तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट फॉर फ्यूचर टैक्स कंसीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न। तो अभी आपको डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी समझ में नहीं आएगी, पूरा जब समझाऊंगा तो समझ में आएगी। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर शीट का ऑब्जेक्ट यह था कि सर हमें इतना तो पता चल गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन करंट टैक्स का मतलब एस पर इनकम टैक्स हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके ऊपर जो टैक्स रेट चल रहा होगा उसको अप्लाई करके हम हमारी करंट टैक्स की लायबिलिटी निकाल लेंगे। और एक बात आपने सर मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई कि अगर हमें डीटीए और डीटीएल टैक्सेशन की अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो करना है। तो नीचे लिखा हुआ है टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट एन एंटिटी यूजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इस लाइन को सिर्फ लिखने भर के लिए आपने देखा रट्टाफिकेशन मारा कि सर एसेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच से होता, तो आप आने वाले समय में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ नहीं पाएंगे।
हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप एसेट और लायबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करें, अपने डीटीए और डीटीएल को बना सकें। तो असेट्स और लायबिलिटी अप्रोच आपको दो ऑब्जेक्ट को लेकर बनी है। पहला, इनकम टैक्स करेंटली पेबल और डिटेक्टेबल एंड डेफर टैक्स। अब डेफर टैक्स क्या होता है वो हम अभी समझने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समरी स्लाइड है जो कि आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड ओवरऑल टैक्स। बहुत लेमन टर्म में मैंने बनाई है ये। तो जब कभी भी अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो हमेशा आपके सामने दो इश्यू अराइज होने वाले हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल रही होगी, इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन। देखिए दोनों के सामने, अच्छा यहां पर एक इंटर पीरियड है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना, वो इंटर पीरियड है, एक है इंटर और एक है इंट्रा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन क्या होता है, तो इसको हम समझ लें। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम बहुत ज्यादा सीरियस लेना, मैं बहुत स्लो चलूंगा, ये बिल्कुल लाइव लेक्चर है तो स्लो भी चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और ऐसा समझ में आए कि अगर इसके आपको सिमुलेशंस आ जाएं, सर जनरल एंट्री पूछ लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लें, सारी बातों का आंसर आपको इन लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो आप इस लाइव लेक्चर में भी और इस रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपको मिल जाइए तो उसको 2-3 बार जरूर सुनना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं सर इंट्रा पीरियड। इंट्रा का मतलब होता है कि करंट ईयर ही, करंट ईयर में हमें टैक्स कंसीक्वेंस को क्या करना है, अलोकेट करना है। अगर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ें, सो इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन इन्वॉल्व अलोकेशन ऑफ टोटल टैक्स प्रोविजन। क्या लिखा है, टोटल टैक्स प्रोविजन फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस। मतलब आपने जो भी टैक्सेशन का कैलकुलेशन किया है ना, उसको आप चार कैटेगरी में अलोकेट करने वाले हैं। मतलब सर टैक्स जो है वो इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन के कारण कितना होगा, जो टोटल टैक्स का प्रोविजन है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पे कितना होगा, जो टोटल टैक्स का इंपैक्ट है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर कितना होगा, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर कितना होगा, और जो टैक्स का इंपैक्ट है वो ओसीआई के ऊपर कितना होगा, इसको हम बोलते हैं इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है कि इस बात से अनअवेयर हो कि सर ये कॉन्टिन्यू ऑपरेशन, डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंजेस, मतलब इनके ऊपर भी हमें टैक्स के प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा। कि मान के चलिए आपकी टैक्स की लायबिलिटी आई पूरी साल भर की 1 लाख, तो इस 1 लाख में से कितना प्रोपोर्शनेट जो लायबिलिटी है वो रिलेवेंट फॉर द कॉन्टिन्यू ऑपरेशन है और कितनी फॉर द डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन है, कितनी वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो आपको उस टैक्स लायबिलिटी को वेरियस सेगमेंट में क्या करना है, अलोकेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अवेयर होंगे कंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से अवेयर होंगे, और चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर अभी आप इससे अवेयर नहीं भी है ना, तो ये मान के चलिए कि हमें कोई इनकम टैक्स के प्रोविजन को अकाउंटिंग चेंजेस में अलोकेट करना है। और ओसीआई जब मैं पहला लेक्चर लेता हूं, चाहे फिर वो सीपीए का हो, यूएससीएमए का हो, या डिप्लोमा इन आईएफआरएस का हो, या एसीसीए का हो, उसमें मैं ओसीआई के बारे में जरूर बताता हूं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आपको इस टैक्सेशन के इफेक्ट को चारों चीजों में क्या करना है, अलोकेट करना। तो इस अलोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पीरियड टैक्स एलोकेशन। उसके बाद आता है सर एक इंटर पीरियड टैक्स एलोकेशन। तो इंटर पीरियड टैक्स एलोकेशन का मतलब यह होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज पर गैप ऑब्लिक आईएफआरएस अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर है ना, तो वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर आप अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके रूल्स अलग होते हैं, और इसी प्रकार से हर कंट्री के इनकम टैक्स के प्रॉफिट को बनाने के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो इन रूल्स के कारण दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ जाता है। सो डिफरेंस का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि कुछ इनकम और एक्सपेंसेस किसी एक पर्टिकुलर ईयर में तो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, बट किसी टैक्सेशन के पीरियड में हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हो जाए, या इट मे बी पॉसिबल कि इस ईयर में वो टैक्सेशन के पीरियड में रिकॉर्ड हो गई है लेकिन अगले पीरियड में फाइनेंशियल पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए। तो इस प्रकार के अलोकेशन को हम बोलते हैं इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। और आई एम वेरी मच श्योर कि 70% बच्चे समझ गए होंगे, 30% नहीं समझे होंगे, बट वो 30% बच्चों को भी समझाना तो जरूरी है कि सर इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन क्या है। तो चलिए सीधे शीट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या चीज सर। तो हमने बात करी इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन, तो ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। अभी आपको बहुत ही लेमन टर्म में जो मैं ये टर्म समझाने वाला हूं ना, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं आपको यहां पे चार एग्जांपल देने वाला हूं, फोर एग्जांपल। मैंने बोला ये लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे होंगे, तो मतलब आपकी अगर सिटिंग कैपेसिटी 1.5-2 घंटे की, 2.5 घंटे की नहीं है तो आपके लिए इस प्रकार के लेक्चर नहीं है। तो 4-5 एग्जांपल आपको दिए जाएंगे। अभी समझाने जा रहे हैं एनी जी, अभी स्टार्ट ही नहीं किया बेटा। इंट्रा को फिर से समझाएं, इंट्रा को आपको अलग से समझा देंगे। इंट्रा पीरियड का मतलब होता है कि आपने, क्योंकि जो टैक्स मान के चलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख आई, और आप क्या करना चाह रहे हैं इस टैक्स को अलग अलग इनकम पे अलोकेट करना चाह रहे हैं। जैसे सर ये टैक्स मेरा कॉन्टिन्यू ऑपरेशन के लिए कितना है, 1 लाख, डिसकंटिन्यू के लिए कितना है, ये अलग अलग आपको क्या करना है। डिसकंटिन्यू के लिए कितना है सर, तीसरा ओसीआई के लिए कितना, सर ये कैसे करेंगे वो, उसके लिए पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यू क्या होता है और ओसीआई क्या। लेकिन ये पार्ट अभी हम इस लेक्चर में नहीं सिखा सकते कि सर कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू और ओसीआई क्या, इसके लिए पहला लेक्चर है वो अलग लेक्चर है, ये एक एडवांस लेक्चर का है। जब आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होगा ना 1 जुलाई से, तब आपको कंटिन्यू ऑपरेशन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। अभी आप ये मान के चलिए कि हमें कुछ अलोकेशन करना है, तो अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। सर इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन में मतलब आपने कहा कि कोई इनकम या एक्सपेंडिचर किसी एक पीरियड में अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो जरूरी नहीं है कि उसी पीरियड में वो टैक्सेशन की बुक्स में भी रिकॉर्ड हो जाए, या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी पीरियड में टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए और अगले पीरियड में जाके बुक्स फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं देखिए फॉर अ कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे लिख दे रहा हूं ये यूएस गैप ऑब्लिक IFRS, क्योंकि ये कॉमन लेक्चर है, डिप्लोमा इन IFRS ACCA प्रोफेशनल लेवल और USCMA, हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ रहे हैं। तो यूएस गैप और IFRS के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं आप, फाइनेंशियल बुक्स। ये सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे वो एज पर यूएस गैप और IFRS बनेंगे। तो हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप और IFRS बनाने हैं सर, और जो हमने हमारी टैक्स की लायबिलिटी है वो टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री, तो यूएस में चलता है टैक्स कोड चलता है जिसको हम IRS ले लेते हैं या टैक्स कोड लिख लेते हैं, और इंडिया में टैक्स लॉ चलता है जो CBDT है, दूसरी कंट्री का यहाँ डिस्कशन नहीं करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का अलग सेगमेंट है। तो टैक्स कोड मान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, बहुत ही अच्छे से समझना है। आप अगर कहीं किसी दूसरे काम में मोबाइल वगैरह लेके आसपास में बैठे हैं तो बिल्कुल इस बात को समझना कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा आपको,
अगर आपने जरा सा भी ध्यान इधर उधर कर दिया, तो मैंने मान के चलो एक प्रॉपर्टी को किराए पे दिया रेंट के ऊपर, ठीक है सर, आपने एक प्रॉपर्टी को किराए पे दिया तो आपको रेंटल इनकम होने वाली है, और प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को हमने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया है, और उस प्रॉपर्टी का रेंट लेट से $1,000 हमारा डिसाइडेड है, हमने बकायदा अग्रीमेंट कर लिया उसके साथ में कि आप हमारे साथ प्रॉपर्टी लोगे, लेकिन वो जो टेनेंट है ना वो बोला कि यार मैं आपको मंथली पेमेंट नहीं करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं आपको लमसम पेमेंट करता हूं। उसने हमें ना सीधे एक चेक काट के दे दिया $15,000, ये हमें एक्चुअली रिसीव हो गया, ये एक्चुअल रिसिप्ट है। अब दो कंट्री, एक कंट्री के दो अलग अलग लॉ, एक है यूएस गैप और IFRS, पहले USCPA में IFRS भी होता था, अब नहीं है, 1 जुलाई के बाद से जो भी एग्जाम होती है उसमें केवल यूएस गैप को ही कवर किया जाएगा। तो एज पर यूएस गैप IFRS क्या बोलता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जो इनकम आपने अर्न करी है उतनी आप क्या करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। तो जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो उसमें अपनी इनकम कितनी रिकॉर्ड कर ली आपने, 1,000 × 12,000 आपने इनकम को क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन एक कंट्री का जो टैक्स कोड है ना, ये 2020 की बात थी, ये बिल्कुल इसको कलर अलग कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि सर कोई 2020 की बात थी। तो टैक्स कोड ने तो क्या कहा कि बोले हमें कोई अक्रूवल फक्रूवल से मतलब नहीं है, आपने जितना रिसीव किया ना उसके ऊपर टैक्स दे दो। तो एज पर इनकम टैक्स लॉ आपकी जो इनकम है वो $15,000 मान ली गई, $15,000। अब इन दोनों इनकम में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, करंट ईयर में आपने अपनी फाइनेंशियल बुक्स में तो 12,000 को कंसीडर किया, लेकिन टैक्स कोड में आपने कितना कंसीडर कर लिया, 15,000। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया सर 3,000, ठीक है, अभी तो 2020 में डिफरेंस, अभी तो हम डिफरेंस समझ रहे हैं बस। अब हम 2021 में आए, ये देखो 2021 लिख दिया, अलग कलर में लिखूंगा ताकि याद रहे, ये इसको हमने कर दिया ग्रीन, ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ना, ये ग्रीन कर दिया सर हमने ताकि 2021 में करंट। अब उसी टेनेंट से हमने बोला कि यार रेंट दो, उसने बोला मैं तो लमसम देता हूं ना, मैं आपको पिछले साल 3,000 एक्स्ट्रा दे दिया था ना, 3,000 देखो पिछले साल मैंने आपको कितना दिया था, जो 12,000 देना चाहिए था मैंने आपको पिछले साल 3,000 एक्स्ट्रा दे दिया, इस साल मैं उसको काट के आपको कितने का पेमेंट कर दूं, साल भर प्रॉपर्टी ली है, जरा चैट बॉक्स में लिखिए एक्चुअल रिसीप्ट कितना होगा रेंट का, ये तो पता चले कि बच्चे अटेंशन में है कि नहीं, एक्चुअल रिसीप्ट कितनी होगी, 9,000, ठीक है ना सर, एक्चुअल रिसीप्ट तो 9,000 हो गई। अब बस एक ही, बाकी सब मत लिखो आप, नहीं तो पता चले सब 30-35 बच्चे सब लिखना शुरू कर दे, 9,000 एक्चुअल रिसीप्ट हो गई, ठीक है सर 9,000 एक्चुअल रिसीप्ट हो गई। तो अक्रूवल बेसिस पर अगर हम देखें सर, अक्रूवल बेसिस तो सिंपल बोलता है कि इस महीने का किराया इसी महीने रिकॉर्ड करना चाहिए, इस साल की टोटल इनकम अक्रूवल बेसिस पे कितनी रिकॉर्ड करें, $1,000 ऐसा साल भर रहा है तो फिर से 12,000 रिकॉर्ड करो। तो टैक्स लॉ ने तो कितनी रिकॉर्ड कर ली इनकम, 12,000 करी, और इसने इस बार कितनी करी होगी, तो आप देखिए एक ऐसी इनकम जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस था 3,000, ये 3,000 जो है वो टैक्स लॉ में तो पिछले साल ही रिकॉर्ड हो गई, बट ये जो 3,000 जो हमको एक्स्ट्रा मिल गया था ये एस पर अकाउंटिंग बुक्स नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हुई है सर, क्योंकि अगले साल मिला भले 9,000 है बट हमने उसको रिकॉर्ड कितना कर लिया फिर से। तो दोनों की बुक्स में, इनकम टैक्स की बुक्स में और फाइनेंशियल की बुक्स में कई बार डिफरेंस आते हैं, और वो डिफरेंस अगर एक पीरियड में अराइज होके दूसरे पीरियड में रिवर्सल हो जाए
और उसके टेक्स कॉन्सिक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। क्या बोलते हैं, अगर कोई डिफरेंस किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अराइज हो जाए और दूसरे ईयर में वो रिकवर हो जाए। सर टैक्सेशन की बुक्स में वो रिकॉर्ड कब हुआ था, पिछले साल ही हो गया था। देखो पिछले साल हमने 15,000 को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमने कितना रिकॉर्ड किया, केवल 9,000 रिकॉर्ड किया है। हमको उसने काट के 9,000 का पेमेंट किया होगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंस की रिकॉर्डिंग करना आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो सर अभी हमको ये समझ में आया कि इंटर पीरियड टैक्स एलोकेशन का मतलब होता है जब यूएस गैप की बुक्स में इनकम और टैक्सेशन की बुक्स में इनकम अलग अलग पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है। सर अलग अलग पीरियड में कहा, हमको तो दोनों पीरियड में दिख रही। नहीं बेटा, आपको यहां पर देखो 3,000 इस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हुई है, 3,000 जो है हमने टैक्सेशन की बुक्स में पिछले साल ही रिकॉर्ड कर लिया, और नेक्स्ट ईयर कितना रिकॉर्ड किया दोनों ईयर में, लेकिन ओवरऑल कितनी इनकम रिकॉर्ड किया। अगर दोनों ओवर में ईयर में कंसोलिडेटली देखें तो 9 और 15 24, दोनों साल में देखो 24 ही रिकॉर्ड किए, और इधर 12 और 12 24। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसके कारण डेफर टैक्स अराइज होता है, और डेफर टैक्स के लिए हम एसेट और लायबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो जस्ट अ बिगनिंग है ये। सर ये तो रेवेन्यू का एग्जांपल था, अब हम एक्सपेंडिचर का एग्जांपल समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं, 9,000 विल बी टैक्सेबल इनकम फॉर द 2021 एज पर टैक्सेशन बुक्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2021 में हमने टैक्सेशन की बुक्स क्या बोल रही हैं, जितना एक्चुअल मिला है उसके ऊपर टैक्स दे दो, डजंट मैटर कि क्या जो रिसिप्ट किया ना उसके ऊपर टैक्स दे दो बस। तो इनकम टैक्स की बुक्स ने 9,000 को 2021 में इनकम माना है। सर ये तो इनकम का एग्जाम्पल था, कोई एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर के दो देने वाला हूं एग्जाम्पल, चलिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, अब आपने एक प्रॉपर्टी को रेंट पर ऑक्यूपाइड किया था, तो अब यहां पर आपको रेंट पे करना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी उसी जो पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें, तो यूएस गैप और आईआरएस, मैं शॉर्टकट के लिए सिर्फ आईआरएस लिख रहा हूं, मैं यहां पे सीबीडीटी भी लिख सकता हूं ना, सेंट्रल बोर्ड या इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि ये दोनों कॉमन लेक्चर चल रहे हैं, तो आप आईआरएस और सीबीडीटी एक ही समझना, और यूएस गैप और आईएफआरएस। तो यूएस गैप उस एक्सपेंडिचर को कितना रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंडिचर को सर 1,000 के हिसाब से है, आपने भले ही 12-15,000 पे कर लिया है, हम तो आपको फाइनेंशियल बुक्स में 12,000 मानेंगे, और बाकी जो 3,000 आपने पे किया है वो फाइनेंशियल बुक्स में क्या माना जाएगा, पहले तो आप ये बताइए फाइनेंशियल बुक्स में उसको क्या रिकॉर्ड करते हो आप लोग। प्रीपेड, यूसुफ जी प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट ये क्या है, एक्स्ट्रा पे किया आपने, तो ये तो एसेट रिकॉर्ड कर रहा है। बैलेंस शीट अप्रोच पे आएंगे हम धीरे से, लेकिन पहले बेस बना रहा हूं। एक्सपेंसेस सर 12,000, सर आईआरएस तो भाई साहब क्या बोलते हैं, कितना पेमेंट किया बोले आपने, खर्चों की पूरी डिडक्शन ले लो, डिडक्शन वर्ड नया हो सकता है आपके लिए, डिडक्शन मतलब आप क्या करो, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर इमीजिएटली अभी चार्ज कर लो। कितना चार्ज करना है सर, 15,000 रुपये पूरा खर्चा डाल दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम हिसाब नहीं रखते, इनकम टैक्स सिंपल आदमी है, इनकम टैक्स से सेल्फिश इंसान कोई नहीं है, मोहब्बत करने पे भी टैक्स ले लेता है, गिफ्ट दो आप किसी को मोहब्बत में वो बोलता है टैक्स दे दो, ये पैसा कहाँ से लाया गिफ्ट देने के लिए, तो प्यार पे भी जो टैक्स ले लें वो इनकम टैक्स है, तो इसलिए इसको सेल्फिश बोला गया। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि तुरंत पुराना हिसाब नहीं रखना हमको, 15,000 रुपये सीधे पीएनएल में डाल दो। तो सर इनकम टैक्स की बुक्स ने तो 15,000 रिकॉर्ड किया, ये 2020 की बात है। अब वही आप एक
टेनेंट हो, 2021 में अपने लैंडलॉर्ड से क्या बोलोगे, कितना पेमेंट करूंगा मैं, एक्चुअल बताइए कितना पेमेंट करने वाला हूं। सर 12 बनता पेमेंट करूंगा, नो। तो IRS बोलेगा मैं तो डिडक्शन कितने की दूंगा आपको, केवल 9000 की, मुझे क्या मतलब, आप क्या करते फिरते हो। US GAAP भाई साहब तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं ना, US GAAP है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोले अक्रूवल हमारा धर्म है, तो 1000 × 12 हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमने यहां पे क्या रिकॉर्ड कर लिया 12000। तो यहां पर एक्सपेंडिचर बुक हुआ 12000 और यहां पर एक्सपेंडिचर कितना बुक हुआ, दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन दोनों में देखो एक कॉमन बात है, 12 और 12 24, तो सर इसका मतलब इसके कारण जो टैक्स कॉन्सिक्वेंस है उसी को तो हमने समझना है। तो इंटर पीरियड टैक्स एलोकेशन का मतलब कोई रेवेन्यू या कोई एक्सपेंडिचर जो है वो किसी एक ईयर में इनकम टैक्स की बुक्स में रिकॉर्ड हो गया तो दूसरे पीरियड में फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड होता है। सर ये आपने एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, पिछला रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जिसमें आपने एडवांस इनकम को कंसिडर किया, अनअर्ड रेवेन्यू। अब एक अक्रूड का भी समझ लेते, सर यही प्रॉपर्टी फिर से किराए पे ली हमने, अब एग्जांपल फिर से तीसरा एग्जांपल, फिर एक चौथा और देंगे। सर US GAAP इस लेक्चर का पर्पस ऑर्गेनाइज कराने का सबसे बड़ा यह है कि लेमेन टर्म में समझें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रिव्यू प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी बुक्स में ऐसे कोई एग्जांपल इतने डिटेल में नहीं होते, वो केवल प्लेन रीडिंग लिखते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि सब आप US के स्टूडेंट, वो ऐसा मान के चलते कि आपने जो बैचलर की है वो बहुत स्ट्रांग बैचलर की है, और उनको नहीं पता होता है कि इंडिया का बैचलर, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, लेकिन इंडियन स्टूडेंट तो वन नाइट स्टडी में है ना, तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है सर, 3-4 दिन में तो ग्रेजुएट हो जाते हैं हम लोग, बाकी टाइम तो कैंटीन में पढ़ लेते हैं। इंडिया का मुझे मालूम, बाकी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कुछ बच्चे तो यहाँ पे US से भी हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले भी बैठे हैं जिनकी ग्रेजुएशन हुई है, वहाँ का नहीं आइडिया, लेकिन इंडियन स्टूडेंट तो तूफानों से कश्ती निकालते हैं आखिरी के 3-4 दिन में, पर वो US CPA करने आ जाते हैं तो फिर यहां कश्ती डगमगाने लगती है। तो US GAAP और टैक्स लॉ, तो सर US GAAP के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फिर से प्रॉपर्टी किराए पे ली, और आपने इस बार है ना उस टेनेंट ने आपको बोला मैं ना यार आपको अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं आपको जो 12 महीने का रेंट है ना, मैं अभी इस साल आपको 10000 ही पे कर पा रहा हूं, 10000 पे कर रहा हूं लमसम। US GAAP क्या बोलेगा, बोले नहीं 1000 × 12 के हिसाब से रिकॉर्ड करो इनकम 12000, और ये 12000 तो इनकम रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इसमें से जो मिला नहीं है ना अभी अगर एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो US GAAP क्या बोलता है, 12000 खर्चा मान लो, लेकिन 2000 जो अभी पे नहीं किया है वो हमारी बुक्स में क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग। और सर ये क्या है, सर ये आउटस्टैंडिंग वगैरह आप क्यों लिख रहे हो बेटा, मैं अभी है ना आपको है ना एक बेस समझाऊंगा, टैक्स बेस, तब मैं आपको यही बोलूंगा कि इसका टैक्स बेस बताओ क्या है, आप बिल्कुल लाइटली मत लेना सर, आप मजाक में पता चले बड़ी बड़ी चीज यहां मैं खत्म हो जाए, मैं आपको यहां आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं तो मेरा कुछ पर्पस है, अभी मैं आपको लायबिलिटी और एसेट्स से इसका कोरिलेशन करने वाला हूं। तो सर 12000 − 2000 आपने किया, एक सेकंड में वो एक्सेल में थोड़ा फॉर्मूले, तो सर हमने ये 2000 जो है ये तो हमने एक्चुअल में पे नहीं किया है, तो हमने तो पे किया है 10000 पे किया है, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स इसको क्या मान लेता है, लायबिलिटी मानेगा ना, अक्रूड एक्सपेंसेस, इसको क्या मानेगा वो, अक्रूड एक्सपेंसेस। और टैक्सेशन लॉ क्या बोलता है, टैक्सेशन लॉ बहुत इजी आदमी है, बोले कुछ मतलब नहीं, अक्रूड पकरूड क्या होता नहीं समझ में आता, हमने तो सीधे आपको 10000 रुपये एक्सपेंडिचर अलाउ करना है जितना आपने पे किया है। फाइनेंशियल बुक्स बनाते समय आप US GAAP के अकॉर्डिंग जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे एक्सपेंडिचर कितना लिखेंगे, सर US GAAP के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे 12000,
लेकिन टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंडिचर लिखा है 10,000, एज पर यूएस गैप 12,000 और टैक्सेशन के अकॉर्डिंग 10,000। ये सर 2020 की बात है। सर 2021 में आए, यूएस गैप फिर से बोलेगा कि भैया आपने, अब ये भाई साहब जो थे टेनेंट हमारे, उन्होंने हमको कितना पेमेंट करना है मुझे बताइए जरा, कितना पेमेंट करेंगे टेनेंट अगर पूरा पुरानी लायबिलिटी प्लस करंट ईयर, कितना पेमेंट करना चाहिए टेनेंट ने? ये चीजें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो यही चीज क्लियर नहीं है। 14,000, तो ये भाई साहब तो 14,000 आपको पेमेंट कर देंगे सर, 12 करंट ईयर का, 2 पुराना। लेकिन फिर से यूएस गैप क्या बोलेगा कि एक्सपेंडिचर तो हमारे लिए 12,000 ही है। देखो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, पिछले साल 10,000, इस साल 14,000, यूएस गैप पिछले साल भी 12, इस साल भी 12, तो दोनों में अल्टीमेटली 24 ही रिकॉर्ड हुआ है सर। तो ये है इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। तो सर इसका मतलब इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन का जो प्राइम पर्पस है, दो डिफरेंट पीरियड में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स कंसीक्वेंस को क्या करना। अच्छा किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया सर 14 कैसे, अरे टेनेंट ने क्या बोला, पिछला 2 पेमेंट करूंगा प्लस करंट ईयर का पे करूंगा, तो बेटा करंट ईयर का 12 प्लस 2 मिला के 14, 14,000 हमें क्या करना पड़ेगा, पे करेंगे तो इनकम टैक्स लॉ आपको 14,000 की क्या दे देगा, डिडक्शन दे देगा। चलिए सर ये बात समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल, तो जो दूसरा एग्जांपल ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन। यूएस गैप और आईएफआरएस, और ये है आपका टैक्स कोड। सर हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेकर आए, लेट से $10,000 की खरीदी थी, $10,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, एज पर यूएस गैप हमें 10% रेट अलाउ है। सपोज दैट सॉल्वेज वैल्यू 0 है, मैं 10% की जगह थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं 20%, तो अगले कितने साल में मैं ये पूरी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा? कितने साल लगेंगे, हाउ मेनी ईयर्स? 5 years, 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना, ये लिख ले रहा हूं, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेमन टर्म 3, 4, 5। तो सर हर साल डेप्रिसिएशन यूएस गैप बोलेगा 2,000 स्ट्रेट लाइन मेथड मान के चलिए, तो सर इनकम स्टेटमेंट में जब हम बनाएंगे तो ₹2,000 का एक्सपेंडिचर हर साल क्लेम कर लेंगे। सर आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की बुक्स में। टैक्सेशन की बुक्स क्या बोलती है, इंसेंटिव देती है। यूएस में इंसेंटिव प्रोग्राम चलते हैं कि अगर आपने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो चाहते हैं कि क्लाइंट को एक टेम्प्रेरी राहत दी जाए, उसको खर्चा अलाउ कर दिया जाए कि यार ये जो 10,000 है ना, इसको आप क्या करो इमीजिएटली 2 साल में आप डेप्रिसिएशन ले लो। तो टैक्सेशन भाई साहब 1 और 2 ईयर तक ही डेप्रिसिएशन क्लेम कराने की बोल रहे हैं। तो पहले साल कितना क्लेम कर लेंगे, 5,000, दूसरे साल भी कितना कर लेंगे सर, 5,000। अब दोनों के बुक्स में एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? सर पहले साल यहां पे 3,000 आ गया, यहां 3,000 आ गया, अब यहां पर आने वाले समय में देखो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का नहीं 2-2 का आ रहा है ना। टैक्सेशन की बुक्स आपको अल्टीमेटली डिडक्शन कितने की दे रही है, कितने की डिडक्शन दे रही है टैक्सेशन की बुक्स? सर 10,000 की तो दे रही है, और फाइनेंशियल बुक्स भी कितने की दे रही है, 1 0 ज्यादा लग गया है। तो अल्टीमेटली सर दोनों की बुक्स जो है ना आपको 10,000 का ही डिडक्शन दे रही है। लेकिन बस बात यह है
कि एक बुक्स आपको 2 सालों में दे रही है और एक आपको कितने, तो जो अभी टेम्परेरी डिफरेंस है ये आने वाले समय में रिवर्स होने वाला है। क्या होने वाला है? रिवर्स होने वाला है। तो इसके कारण जो टैक्स कॉन्सिक्वेंस बनेंगे उसी को तो हम बोलेंगे इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। और ये बुक्स में 4 लाइन में समझाया गया है, 4 लाइन के ऊपर नहीं लिखी उन्होंने इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अब कई बार क्या होता है कि यूएससीपीएस स्टूडेंट्स प्रोविजन तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल रिव्यू प्रोवाइडर्स के उनके वीडियोस देखेंगे, वो आके वो शुरू हो जाते हैं बढ़िया टिप टॉप कॉलर वालर लगा के, एकदम शानदार टाई वाई पहन के, और बोल देते हैं जो लिखा होता वो पढ़ देते हैं। बट बींग ए इंडियन स्टूडेंट हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि हर हमें कोई एग्जाम्पल दे के समझाएं, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, वो इसी तरीके की होती है। लेकिन वो जब हम एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोर्स करने जाते हैं तो वो तो सीधे सिंपल फाइव में ऐसे लिख देते हैं, तो फिर हम बुक्स पढ़ के समझ नहीं पाते या एग्जाम्पल उतने अच्छे उसमें नहीं होते, तो इस कारण डिफिकल्टीज आती है। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से कई बार नहीं बनते होंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे, इस तरीके से समझेंगे, तो डेफिनेटली द डे विल कम इन योर लाइफ कि आपको इंटरनेशनल करिकुलम भी समझ में अच्छे से आने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये था इंटर पीरियड। देखिए 2 स्लाइड के लिए हमने 45 मिनट को समय दिया, 46 मिनट में हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन और इंटर पीरियड। इट इज जस्ट इन बिगिनिंग, इट इज नॉट द एंड। ये शुरुआत हुई इस लेक्चर की। अब कुछ डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिक डेफिनेशन हमारी जो है वो क्या बोलती है, टैक्सेबल इनकम इज द इनकम कैलकुलेट अंडर द टैक्स कोड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्सेबल इनकम मतलब जो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग है। टैक्सेबल इनकम इक्वल प्री टैक्स अकाउंटिंग इनकम। अब देखो ये टर्मिनोलॉजी है ना, मैंने जानबूझ के बुक से ही उठाई है ये वाली जो टर्मिनोलॉजी, यूएस गैप की बुक से। इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, टैक्सेबल इनकम इक्वल्स प्री टैक्स अकाउंटिंग इनकम एडजस्टेड फॉर परमानेंट एंड टेम्परेरी डिफरेंस। तो एक बात ध्यान रखिए कि हमें आने वाले समय में एक अकाउंटिंग की प्री टैक्स इनकम को कन्वर्ट करना होगा टैक्सेबल इनकम में। क्या बोला सर आपने? आने वाले समय में हमें प्री टैक्स अकाउंटिंग इनकम को कन्वर्ट करना होगा किसमें? टैक्सेबल इनकम में। वो आपसे पूछेंगे कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, वो देंगे आपको फाइनेंशियल इनकम, उसको कन्वर्ट किसमें करना होगा आपने? टैक्सेबल इनकम में। तो सर इसका अगर आप कोई एग्जाम्पल दे दें तो बिल्कुल फीलिंग आ जाए अच्छी। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और आप लोगों से पूछते हैं टैक्सेबल इनकम। अभी आप कैश बेसिस समझ गए थे ना, कैश बेसिस अक्रूअल बेसिस, ये फाइनेंशियल बुक्स है। और एक है हमारी टैक्सेशन की बुक्स। अच्छा ये जो लेक्चर जो हमारा चल रहा है ना, ये अभी हमारे जो एडवांस लेक्चर चलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, उसमें भी कवर होगा आगे, मतलब इसी की सीरीज। ये तो फर्स्ट पार्टी कंप्लीट हो पाएगा, आने वाली सीरीज इस पे जाएगी पूरी। तो जिनको वेकअप इशू है मॉर्निंग 8 बजे, वो थोड़ा सा फिर वीडियो लेक्चर से काम चलाना जब मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर एडवांस लेक्चर के जरूरी नहीं है कि अपडेट किए जाएं टाइम से, क्लासेस के लेक्चर नहीं, एडवांस लेक्चर तो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक बच्चों को पास कराने में थोड़ा सा और योगदान दिया जाए। फाइनेंशियल बुक्स और टैक्सेशन बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने फाइनेंशियल इनकम को किस में कन्वर्ट करना है? टैक्सेबल इनकम में। मान के चलिए मैंने आपको यहां दिया रेंटल इनकम 24,000, रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस 36,000,
और सेल्स सिर्फ एक आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, है ना, 50,000 रुपये। और नीचे मैंने आपसे लिख दिया, ये परचेज भी लिख दी मैंने, 10,000 रुपये। और मैंने यहाँ पे लिख दिया जो रेंट अक्रूड है ना, अक्रूड, अक्रूड रेंट समझते हैं ना, अक्रूड वो एक्सपेंडिचर वाला बोल रहा हूँ, ये एक्सपोन है ना, रेंट एक्सपेंडिचर वाला, ये रेंटल जो एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड मैंने यहाँ पे दे दिया 1,000 रुपये। और मैंने आपको अनअर्न्ड रेंट दे दिया। अब आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल बुक्स आनी चाहिए तो आप इसको बदल पाओगे, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड रेंट। अब अनअर्न्ड रेंट दे दिया मैंने आपको 4,000। अब आप मुझे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके दिखाइए, 5 मिनट का मैंने आपको समय दिए, पूरे 5 मिनट के बाद मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चे अकाउंट्स में स्ट्रांग है। सबको मौका दिया, 5 मिनट के बाद ही इसका आंसर दूंगा, जब तक पॉज कर रहा हूँ, ताकि जो दूसरे बच्चे यूट्यूब पे, हमारी यूट्यूब फैमिली बोर ना हो जाए कि सर लंबे लंबे लेक्चर रहते हैं आपके, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कौन के अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर मिटा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आपको पता है ना ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, ये कोई बीकॉम, ये कोई ये इंटर, इस कोर्स की इज्जत करनी पड़ेगी आपको पहले। आपको अगर वर्ल्ड की बेस्ट डिग्री चाहिए, आप बिलीव नहीं कर सकते जिस दिन आप सीपीए बन जाओगे आपकी वैल्यू क्या होगी मार्केट में। 10 साल बाद सीपीए बन के आप देखना, 1 से 1.5 करोड़ रुपए साल के ना कमाओ तो मेरे से कह देना, ये मेरी गारंटी आपको 10 साल बाद। और जब इतना बड़ा प्रोफेशन आपको करना हो और आप बिल्कुल अगर अकाउंट्स के ज्ञाता ना हो, मतलब पब्लिक अकाउंटेंट का प्रोफेशन आपको पास करना हो, और आपको अगर सामने एक छोटा सा चिरकुट सा आंसर दिया है कि टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, और जो बच्चे क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर वो आंसर गलत देते हैं, तो आई मतलब मेरे को तो फिर बात करनी पड़ेगी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद अगर आंसर गलत आ रहा है टैक्सेबल इनकम, मैं तो इंतजार कर रहा हूं पुराने स्टूडेंट का कि वो कहीं गलत ना कर दें। एक दो मिनट का समय और दिया, बाकी नए बच्चे तो कुछ ट्राई नहीं कर पा रहे हैं कि सोचिए मैंने आपसे क्या पूछा, टैक्सेबल इनकम। ₹32,000, ₹35,000, चलो कम से कम ट्राई करने वाले स्टूडेंट तो देखूं, जो ट्राई नहीं कर रहे उनका नाम भी पता चल जाए मेरे को, 33, 31, 35, 32, 28,000, 28,000। चलिए एक आध और कोई आंसर आ जाए, 39,000। ओहो, बहुत ही भांति भांति के आंसर, एक कॉन्सेप्ट, चार पांच ऑप्शन, एग्जाम में चार ऑप्शन नहीं होते तो ना जाने बच्चे क्या क्या आंसर दे देते। मैंने आपसे पूछा है कि ये फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्डेड इनकम है, ये आपको फाइनेंशियल डेटा दिया, रेंटल इनकम 36,000, रेंटल एक्सपेंसेस उसमें से अनअर्न्ड रेंट है, अनअर्न्ड मतलब ये फाइनेंशियल इनकम है, ये फाइनेंशियल इनकम, रेंट एक्सपेंसेस अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, और अनअर्न्ड रेंट 4,000 नीचे लिखा हुआ है। अब आपको सोचना है टैक्सेबल की इनकम कितनी होगी, सेल कितनी होगी। चलिए तो हम इसको समझते हैं सर, तो सबसे पहले अगर हम नीचे लिखें, बाकी बच्चे और आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, एनी 74,000, 79,000, एक साथ इतने सारे आंसर, इतने अलग अलग आंसर। चलिए तो हम इसको चेक कर लेते हैं, अब बंद कर दीजिए आंसर, अब आंसर ही देते रह जाएंगे। मैंने आप लोगों से पूछा फाइनेंशियल बुक्स में इनकम कितनी, तो मैंने आपको यहां पे सेल लिख के दिया है, तो सर हम फाइनेंशियल बुक्स की अगर इनकम ही निकाल लें, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहले इनकम देखें, तो सर सेल्स इनकम साइड आता है, ये लिख दिया हमने, कितना लिखा सर आपने, 50,000।
सर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, एक्सपेंसेस इधर लिखो है ना, तो एक्सपेंसेस सबसे पहले रेंट, अब ये मैंने बोला फाइनेंशियल बुक्स की इनकम है, मतलब ये 36,000 मैंने इनकम स्टेटमेंट में डाला हुआ और ये नीचे एडजस्टमेंट में, तो इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 36,000 है सर, रेंटल एक्सपेंडिचर मेरा 36,000 है। उसके बाद परचेस भी डाल दो, चलो यहां पे परचेस कितनी है सर, 10,000। ये दो एक्सपेंडिचर बुक कर दिए, बात आती है रेंटल इनकम की। अगर ये फाइनेंशियल बुक्स की इनकम मैंने मानी हुई है फाइनेंशियल बुक्स की, तो रेंट में यहां कितना लिखूंगा, पूरा लिख दूंगा ना, मैंने फाइनेंशियल बुक्स के नीचे लिख दी, मैंने बोला फाइनेंशियल बुक का इनकम स्टेटमेंट दिया ये, तो फाइनेंशियल बुक्स में मेरी इनकम कितनी हो गई सर, 24,000 हो गई ये मेरी इनकम। तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना, ये तो मेरा प्रॉफिट आया एज पर फाइनेंशियल बुक्स, अभी मैं एनालिसिस कराऊंगा आपको टैक्सेशन का। तो सर 50 प्लस 24 74 माइनस 46,000, ये मेरी 28,000, ये तो मेरी इनकम आई किसके हिसाब से, एज पर किसके हिसाब से आई सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के अकॉर्डिंग मेरी इनकम आई, ये मेरी यूएस गैप। अब सर इसको मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा था, मैंने तो आपसे टैक्सेशन की इनकम पूछी थी कि मेरी आईआरएस के हिसाब से कितनी होगी, ये तो यूएस गैप की इनकम है। तो टैक्सेशन की इनकम में अब हम क्या करें, अब ये अक्रूड रेंट है, मतलब 1,000 रेंट हमने पे नहीं किया होगा, हमने इनकम स्टेटमेंट में कितना डाला है, 36,000 डाला है। तो अब मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, फाइनेंशियल बुक्स की जो इनकम है सर, जो फाइनेंशियल बुक्स की जो इनकम है वो कितनी है, वो सर हमने निकाल ली 28,000। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट देने वाले सर, कौन से एडजस्टमेंट, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देने वाले रेंट अक्रूड का, ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने पे नहीं किया होगा, तो हमने अल्टीमेटली हमने रेंट एक्चुअल में कितना पे किया है सर, 35,000 पे किया है, लेकिन हमने यहां पर कितना माइनस कर लिया, 36 माइनस कर लिया, हमने ज्यादा माइनस कर लिया, तो हमें इनकम टैक्स तो 1,000 को क्या करेगा, हमारी इनकम में क्या कर देगा, रेंट आउट स्टैंडिंग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा ना, क्योंकि आपने 36 माइनस कर लिया, जबकि आपको यहां पे माइनस 35 करना चाहिए था, क्योंकि इनकम टैक्स अक्रूड फक्रूड को तो समझता ही नहीं है, तो 36 की जगह 35 माइनस करते तो 28 से एक इनकम बढ़ जाती। अब 4,000 की अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंशियल बुक्स ने इस अनअर्न्ड इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा सर, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर की है, तो जो इनकम नेक्स्ट ईयर की वो नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेगा, लेकिन टैक्सेशन वाले बाबा क्या बोलते हैं कि इसी साल टैक्स दो ना, तो वो ये 4,000 को क्या करेंगे, बदल देंगे, और ये निकल आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम, और इस टैक्सेबल इनकम को हम लगा देंगे टोटल। और मैंने आप लोगों से ये पूछा था, और इसमें से एक ही बच्चे ने, स्टूडेंट ने आंसर दिया, इस नारंग ने इसका आंसर दिया है, तो लिटरली ये अपने आप में, जिन्होंने भी और 33 अगर किसी ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र एक आंसर पे पड़ी थी 33, जिन्होंने आईआरएस भी लिखा था, और बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने दिया है तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। फाइनेंशियल बुक्स, मैंने फाइनेंशियल पूछा नहीं था, हाँ रोहन, तो तुमसे तो बेटा रोहन गलत हो भी नहीं सकता, तुम सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, मेरे को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा मतलब मेरे को पहले से ही मालूम होता, उनको पता हो गया होगा, तुम तो सीए स्टूडेंट हो बेटा, तुम्हारा आंसर तो आना ही चाहिए, तुम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पहले ही पढ़ के बैठे हो, तो तुम्हारे लिए तो केक वॉक है, सच बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए यूएससीपीए क्या है, केक वॉक है, जैसे मेरे को यूएससीपीए पढ़ाना केक वॉक लगता है, सीए फाइनल पढ़ाना फिर भी थोड़ा लगता था टैलेंटेड का काम, तो ये तो बिल्कुल आसान था तुम्हारे लिए कि मैं बाकी बच्चों का आंसर देख रहा हूँ, इसलिए तो मैं अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि सीए बच्चे के लिए यूएससीपीए आसान है, क्योंकि ऑलरेडी 99% कोर्स पहले से पढ़ चुके हैं आप, पहले से पढ़ चुके हैं 99% कोर्स, मतलब आप तो स्टडी मटेरियल ले लो तो आप पास हो जाओगे सिर्फ। 33 एनी का आंसर गलत था, 31 यहां पर किसी भी स्टूडेंट ने
आंसर नहीं दे पाए 33 केवल, हाँ एनी का एक 33 है आंसर, ठीक है एनी का आंसर भी ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब सर हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो फाइनेंशियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना पूछेंगे, तो हमें बड़े ध्यान से अक्रूवल, अब मुझे बताइए मैं आपको बेसिक एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट अक्रूवल क्यों समझाया, मैंने पहले डे पे अनअर्ड इनकम मैंने क्यों समझाया, वो इसीलिए समझाया क्योंकि इनकी सारी चीजों की जरूरत आपको आने वाले ओवर द पीरियड सारे समय में पड़ेगी। अगर मैं वो ना समझाऊं और डायरेक्टली बोलूं अक्रूड अनअर्ड ये, तो आप आउट पीरियड हो जाओगे और फार। इसीलिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से छोड़ छोड़ के बच्चे मेरे पास ज्वाइन करते हैं, अब नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि ये पब्लिक उस पर जाएगा, लेकिन समझने वाले तो समझ ही गए हैं। तो उसका रीजन ये कि बेसिक फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, तभी आप USCPA जैसे करिकुलम को पास हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं ये लाइव एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि देखिए अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आप सोचो इस टैक्सेबल इनकम पर आप नहीं पहुँच पाए, और जो बच्चे पहुँचे हैं उसका मतलब उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। अनर्ड अक्रूड हर जगह जरूरत पड़ेगी, इवन लीज अकाउंटिंग अभी आप पढ़ेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे भयानक चैप्टर आप पढ़ने वाले। और यहाँ नहीं, रेगुलेशन, रेगुलेशन में भी आप रियलाइज करेंगे कि व्हाट लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपको अभी भी, हमारा मेन करिकुलम स्टार्ट नहीं हुआ, 1 जुलाई अभी दूर है, उसके पहले आप अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर लीजिए, अदरवाइज दिक्कतें आ सकती। अब सर अगर मान के चलिए टैक्स रेट 30% होता उस कंट्री में, मेरे पास दो इनकम है, मुझे बताइए मेरा करंट टैक्स कितना होगा। करंट टैक्स कितना होगा ये इसी में, टैक्स रेट 30% होती तो करंट टैक्स कितना होना होगा, $9,900। तो आपसे USCPA की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, USCPA की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कैलकुलेट करंट पोर्शन ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी। USCPA में भी, USCMA में भी करंट पोर्शन। तो करंट टैक्स की लायबिलिटी कभी भी फाइनेंशियल बुक्स पे मत निकाल लेना, किसके ऊपर निकालना है, टैक्सेशन की बुक्स के ऊपर। तो करंट टैक्स निकालने के लिए आपको टैक्सेबल इनकम की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार आपसे बोलता हूं अपनी जिंदगी के बेस्ट 1 साल दे दो, CPA बाहर हो गया ना तो जिंदगी भर प्राउड करोगे कि इतना बड़ा डेजिग्नेशन। आप तो सब वॉकिंग प्रोफेशनल हो, किसी दिन किसी कंपनी के CEO CFO बन के चेयर पे बैठोगे तो उस चेयर पे बैठने का सबसे बड़ा रीजन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन होगा। CPA बने बगैर आने वाले समय में आपकी कॉरपोरेट लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, ये मान के चलना। ये बात मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी दौर में समझ ली थी, बड़े बड़े पैकेज को छोड़ दिया मैंने क्योंकि मेरे को CA ने वो लग्जरी दी कि हर जगह जाऊं तो पैकेज की भरमार है, कोई सा भी काम कर लूं पैसा ही पैसा आता है। तो मैंने ये बात अपने CA जर्नी में सीख ली थी और दुनिया का सबसे टफेस्ट कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास कर लिया एक एवरेज स्टूडेंट ने, बायोलॉजी साइंस स्टूडेंट ने। तो आपको तो ये CPA करना, जो 4 पेपर या 16 पेपर CA के निकाले हुए हैं। तो अगर आप अगले 1 साल, अभी सब सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आने वाला समय स्टार्ट होने वाला, 4 टॉपिक पढ़े हैं आपने ऑडिट में जो नए बच्चों ने स्टार्ट किया, ओल्ड वाले तो पूरा पढ़ चुके हैं फार सेक्शन। तो अभी से आपको बता रहा हूँ कि 1 जुलाई से पहले अपनी ज़िंदगी में एकदम एक डिसिप्लिन लेकर आ जाओ आप लोग। अगर आप डिसिप्लिन लेकर आ गए ईमानदारी से, इस बार तो क्लास में पूरा एक एक बच्चे के पैटर्न के ऊपर भी ध्यान देना है ईमानदारी से। अगर 1 साल 1 जुलाई से आपको टाइम टेबल ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना हुआ है उस पर आ जाएगा कि कौन सी टाइमिंग क्या होगी 1 जुलाई के पहले पहले, तो मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू ये स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आपको रेडी होना है, 7-7 चैप्टर खत्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म, सिमुलेशंस खत्म, वीडियो देखा, पूरा नोट्स बनाए, आगे बढ़ गए। लेकिन प्रोकास्टिनेट करते गए तो ये देखो चैलेंज सामने है अभी आपके, ये एक ही चैप्टर ऐसा शुरू किया है, अभी आप देखना लीज बिजनेस कॉम्बिनेशन, डेंजरस बॉन्ड, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और उनके सिमुलेशंस, जनरल एंट्रीज। 50,000 एक पेपर का लगता है, पता है ना, 50,000 की कॉस्ट है 1 पेपर की।
तो चार मतलब 2 लाख रुपए तो एग्जाम देने के लगते हैं, 18 महीने के अंदर पास करना होगा। तो अगर हम इसको बीकॉम जैसा समझ के चले हैं कि बीकॉम में वाले बच्चे फटाफट पास कर लेते, बीकॉम वो वाले जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो बहुत थ्रू आउट मेहनत करके पढ़ते हैं उनसे जल्दी हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक जगाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी तभी ये प्रोफेशन आप पास कर पाएंगे। तो हमने उस स्लाइड में आते हैं, देखिए स्लाइड का मीनिंग था जो हम पढ़ रहे थे ना, जो हमने स्लाइड को जो पढ़ा है, देखिए उस लाइन का इतना मीनिंग था कि हमने उसको समझना पड़ा कि प्री टैक्स अकाउंटिंग इनकम एडजस्टेड फॉर परमानेंट एंड टेम्पररी, वो जो डिफरेंसेस थे, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है वो किस रीजन से थे, परमानेंट थे कि टेम्पररी डिफरेंसेस थे? वो जो हमने पढ़ा वो थे हमारे टेम्पररी डिफरेंस। सर टेम्पररी क्यों? क्योंकि वो एक पीरियड में फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, मतलब दूसरे किसी पीरियड में फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, किसी और पीरियड में टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। अगली लाइन देखो, तीसरी स्लाइड पे ही है अभी हम, मैंने बोला ये बड़े लेक्चर में जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट इज अ सम ऑफ, अभी ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, करंट टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट ऑफ डेफर्ड टैक्स, लेकिन इतना समझ लेना है कि यहां पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट। क्या लिखा है? इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट। इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस कंसेप्ट अलग होता है और करंट टैक्स अलग होता है। करंट टैक्स इज नॉट एन इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, करंट टैक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। करंट टैक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट। अभी सर एक टर्मिनोलॉजी आ रही है डेफर्ड टैक्स, क्या आ रही है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट, अकाउंटिंग इनकम एज पर यूएस गैप। तो अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या है? अभी हम ये लाइन को पूरी तरीके से समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। अकाउंटिंग इनकम का मतलब इनकम एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस। स्लाइड खत्म, अगली स्लाइड से पहले 5 मिनट का आप लोगों को गैप दिया जा रहा है, 5 मिनट का। तो मैं कर रहा हूं मीटिंग को पूरे, अभी क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब पूरे 10 मिनट का गैप दिया जा रहा है, 7:45 हो रही है, हम लोग जो मिलेंगे वो पूरे 10 मिनट बाद। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, इसी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसको पॉज कर रहा हूं। सो अभी तक हमने एक फॉर्मूले को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगला सेगमेंट जो है और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो बेस बनाया आपका इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए। सो जो सेकंड पार्ट है उसको हम समझने जा रहे हैं कि सर एक्चुअल में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, कि आप उस एग्जांपल को पढ़िए बस पहले। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्म रिसीव ए लमसम 5 मिलियन फॉर रेंट फ्रॉम अ लीज। अब देखो एक सीपीए को पास करने की सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि एकदम काम कूल कंपोज होकर चीजों को पढ़ना आना चाहिए, जल्दबाजी में पढ़ना बहुत घातक हो सकता है। लमसम लिखा है 5 मिलियन मिल गया है, रेंट फ्रॉम ए लेसी, लेसी से हमें कितना मिला है, मतलब कहीं ना कहीं इनकम के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रही है कि हमने कोई प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है सर, उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल गया है, रेंट मिल गया। द रेंट वॉज फॉर द यूज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अक्रूअल बेसिस पे इनकम बताइए कितनी होनी चाहिए, अक्रूअल बेसिस पे फर्स्ट ईयर की इनकम कितनी होनी चाहिए अक्रूअल बेसिस पे? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? सर 1 मिलियन की क्या होनी चाहिए, अक्रूअल बेसिस पे इनकम होनी चाहिए। द रेंट वॉज फॉर द यूज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। रिसीव लिखा मतलब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोकल टैक्स अथॉरिटीज रिक्वायर 70% ऑफ रेंट रिसीव इन एडवांस टू बी टैक्सेबल इनकम। अब एक एग्जाम्पल दिया कि कोई लोकल अथॉरिटी बोल रही है, टैक्सेशन का लॉ, अभी हमने टैक्स लॉ नहीं पढ़ा, तो जो बुक्स में लिखा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा।
लोकल टैक्स अथॉरिटी क्या बोलती है, किसी भी कंट्री की हो सकती है लोकल टैक्स अथॉरिटी, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। तो वो बोल रहे हैं कि 70% ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस टू बी टैक्सेबल इनकम। ठीक है सर, हमें इसका मतलब सर 5 मिलियन जो मिला है ना, 5 मिलियन जो मिला है उसमें से वो बोल रहे हैं 70% रेंट रिसीव्ड इन एडवांस टू बी टैक्सेबल। ठीक है, अब नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट लिखे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 4 मिलियन शुड बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। अब देखो, अब हम आ रहे हैं बैलेंस शीट अप्रोच के ऊपर, अब बड़े ध्यान से समझना। हमने इंड एस अकाउंटिंग आईएस 12 और आईएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा था बैलेंस शीट अप्रोच। तो अब अगर हम देखें तो बैलेंस शीट अप्रोच पे आते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच पे तो बैलेंस शीट अप्रोच क्या बोलती है कि सर बैलेंस शीट अप्रोच, मैंने आपको बोला था ना कि मैं बैलेंस शीट अप्रोच से ही समझाऊंगा, बस ये बैलेंस शीट अप्रोच में ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट कई बार गच्चा खा जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिए। एक सेकंड, एज पर फाइनेंशियल बुक्स फाइनेंशियल बुक्स जो है वो हमारी लायबिलिटी कितनी आ रही है सर, बुक्स, तो बुक्स में जो लायबिलिटी आ रही है वो 4 मिलियन की आ रही है ना, 4 मिलियन। जो फाइनेंशियल बुक्स में लायबिलिटी आती है ना, इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी। क्या है ये, चलिए टैक्सेशन की बुक्स में लायबिलिटी बताइए कितना है। मैंने क्या पूछा, टैक्सेशन की बुक्स में लायबिलिटी कितनी है, देखना चाहता हूं कितने बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन सही था। 3.5 मिलियन टैक्सेशन की बुक्स में, प्रवनीत बोल रहे हैं 3.5, तेजल बोल रहे हैं 5 मिलियन, एनी 3.5, और कोई कुछ बोल रहे हैं, रोहन आप क्या बोल रहे हैं, रोहन है कि नहीं है, सब्यसाची 4 मिलियन, विवेक सिंह 3.5, रोहन टॉक्स जो, अच्छा रोहन बोल रहे हैं जीरो, जीरो कैसे हो गया बेटा, जीरो कैसे आ सकता है, उन्होंने क्या बोला 70% हमने क्या माना है, 70% उसको एडवांस मान लिया है, मतलब 70% के ऊपर हमने, तो अगर यहां पर देखें तो आपके सामने सॉल्यूशन है, एट द एंड ऑफ द ईयर 4 मिलियन शुड बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। ये तो सबको क्लियर था सर, बस इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार ऐसा कैरिंग अमाउंट डाल देंगे वो, कैरिंग अमाउंट, और उसके बाद जो फाइनेंशियल बुक्स में लायबिलिटी होती है ना उसको बोला जाता है टैक्स बेस। क्या बोला जाता है, टैक्स बेस ऑफ द लायबिलिटीज 1.2 मिलियन कितनी होगी। अब देखो द टैक्स बेस ऑफ द लायबिलिटीज 1.2 मिलियन, क्योंकि इस 4 मिलियन में से जो लायबिलिटी थी उसका 30% पोर्शन, 70% तो सर ऑलरेडी क्या कर दिया गया था, टैक्सेबल कर दिया गया था, तो बाकी जो टैक्सेबल नहीं किया गया है वो कितना है, वही तो 30% है, तो एंड 2.8 मिलियन शुड बी ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल इनकम। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी थी सर, 2.8। तो यहां पर जो लायबिलिटी का बेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.2 मिलियन आ रहा है। तो
तो ये लाइन देखिए, आप इसको वीडियो लेक्चर में भी मिलेंगे कई बार, अब इसको घर पर सोचेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि टैक्स बेस। तो टैक्स बेस का मतलब होता है कि टैक्सेशन की बुक्स में लायबिलिटी कितनी आ रही। टैक्सेशन की बेस में अलग कॉन्सेप्ट चलता है और फाइनेंशियल बुक्स में अलग चलता है। तो क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है द टैक्स बेस ऑफ द लायबिलिटी इज 1.2 मिलियन 30% ऑफ द 470%, तो सर उन्होंने पहले ही क्या कर दिया। तो ध्यान रखिए, 1 मिलियन को तो फाइनेंशियल बुक्स भी टैक्स मान रहा है और 1 मिलियन। अच्छा, अब कई बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है, बस यही तो समझना था कि सर 5 मिलियन है जो 5 मिलियन, इस 5 मिलियन में से तो 1 मिलियन तो वैसे ही फाइनेंशियल बुक्स ने मान लिया है, तो 1 मिलियन को तो वैसे ही उन्होंने इनकम मान लिया, तो बचा कितना, -1। तो अब बचा इस 4 में से, इस 4 में से फाइनेंशियल बुक्स जो टैक्सेशन बुक्स है वो 70% को टैक्सेबल कर चुकी है, 30% को टैक्सेबल नहीं किया है। तो जिस चीज को टैक्सेबल नहीं किया है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, टैक्स बेस ऑफ अ लायबिलिटी। तो यहां पर जो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी था वो कितना है, 1.2 मिलियन, एंड 2.8 मिलियन शुड बी ट्रीटेड एज एन टैक्सेबल इनकम। तो 2.8 ये हो गई, और सर वो जो एक उन्होंने पहले ही टैक्सेबल कर दिया, तो 3.8 प्लस 1.2 टोटल टैली हो गया 5 मिलियन का। आपको 5 मिलियन को टैली करना है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ बच्चों के अबव द हेड होगा ये, अबव द हेड किन किन स्टूडेंट के गया जरा मैं देखूं तो सही। एक ही स्टूडेंट है जिनके अबव द हेड गए, बाकी सबको तो समझ आ गया, बाकी किसी ने या तो लिखा नहीं है। मैं तो देखना चाह रहा हूं कि इनको नहीं सर समझ में आया, ईमानदारी से लिख दो कि सर समझ में नहीं आया। 2, 3, 4, 5, अब समझ में आ गया। चलो प्रभनीत, अब आ गया ना समझ में। अरे भैया समझो, बहुत मेहनत करने की जरूरत है जिनको ये समझ में नहीं आया, लिटरली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा। अरे 5 मिलियन था, 5 मिलियन ने में से टैक्सेशन की बुक्स में 1 मिलियन पहले ही टैक्सेबल कर दिया टैक्सेशन की बुक्स ने, और फाइनेंशियल ने कर दिया ना, फाइनेंशियल ने। तो फाइनेंशियल ने कितना कर दिया, एक। तो सर बाकी कितनी बची लायबिलिटी, ये लायबिलिटी जो 4 मिलियन की, तो टोटल हो गया 5, ये हो गया ना लायबिलिटी। ये तो इनकम मान लिया हमने, किसने, और फाइनेंशियल बुक्स में हो गया 4, तो 4 + 5 हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया। अब ये 4 है लायबिलिटी, अब इस लायबिलिटी का टैक्स बेस पूछ रहे हैं आपसे, लायबिलिटी का टैक्स बेस। सर फाइनेंशियल बुक्स में लायबिलिटी कितनी है, सर 4 है। टैक्सेशन की बुक्स में कितनी है सर, अरे ये 4 नहीं है सर, 4 का 70% तो वो वैसे ही टैक्सेबल कर चुके हैं। तो जिस चीज को टैक्सेबल कर चुके हैं वो लायबिलिटी थोड़ी कहलाएगी, वो तो इनकम कहला गई, फिर लायबिलिटी नहीं है वो। तो कितना परसेंट, 30%। तो 4 का 30% कितना होता है, 1.2। तो दोनों का ये क्या है, ये कैरिंग अमाउंट है, यह है कैरिंग अमाउंट। पहले हमें लायबिलिटी निकालना पड़ता है, वो बुक्स की लायबिलिटी और उसमें टैक्सेशन की लायबिलिटी, ये कैरिंग अमाउंट, और इसको क्या बोलेंगे, टैक्स बेस। इन दोनों कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में जो डिफरेंस अराइज होता है उसी के कारण एक कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स बोलते। अभी तो सर डीटीए डीटीएल पे आए ही नहीं सर, मजा आ गया सर। लायबिलिटी का टैक्स बेस 4 है फाइनेंशियल बुक्स में, सर कैसे 4 है, अरे बेटा 5 मिला तो 5 में से 1 को इनकम मान लिया, तो 4 बचा ना, तो
तो ये टोटल हो गया पांच। अब लायबिलिटी चार आ गई, तो अब लायबिलिटी में, इस लायबिलिटी में ऑलरेडी टैक्सेशन ने 70% को टैक्सेबल कर दिया, तो कितना बचा 30%, उतने पोर्शन को ही लायबिलिटी माना है। तो इस तरीके से दोनों के बेस में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। यू सब भाईजान आया समझ में? नहीं, हाँ यार लिख दो। चलो तुम्हें समझ में आ गया, मतलब पाकिस्तान में भी अपनी बात समझ में आ रही तो अच्छी बात है। तो अब हमने यहां पे बात करी कि सर इसके कारण जो डिफरेंस आएगा, तो सर इसका मतलब डीटीए और डीटीएल, अच्छा इंडियन हो तुम, ओके ओके। नहीं वो मैं यार एक दो स्टूडेंट है ना इसमें पाकिस्तान से भी हैं, तो वो इसलिए मेरे को लगा ठीक है। सो डेफर टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफर टैक्स कब निकलता है? सर डेफर टैक्स जब निकलता है जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में जब डिफरेंस होता है तो इसके कारण एक इन्वेंटेशन, एक चीज जन्म लेती है जिसको क्या हम बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स। और यही थी बैलेंस शीट अप्रोच। तो इसका मतलब सर टैक्स बेस ना केवल लायबिलिटी के कारण, अभी बेटर 30% समझाएंगे, अभी क्यूरियोसिटी के ऊपर क्वेश्चन ना करें, चैट अगर ओपन है तो उसको फायदे में लें। अगर सभी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो बीइंग अ टीचर पढ़ाने का फ्लो चले जाता है बेटा। अभी आपके आंसर देंगे जब आपको जेन्युइन लगे ना, बकायदा मैं आपको मौका दूंगा, हैंड रेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली टेक योर कॉल। सो डेफर्ड टैक्स, अभी टैक्सेशन की बात ही नहीं करी कि 30% तो हम आगे समझेंगे, अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं बच्चों, बेसिक्स। तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में जो डिफरेंस है उसके कारण होता है डेफर्ड टैक्स। और डेफर्ड टैक्स के दो भाग होते हैं, एक डीटीए और एक होता है डीटीएल। बस यही तो समझना है कि सर डीटीए, और मैं लिटरली बोल रहा हूं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको समझ में नहीं आया ना, और अगर किसी दिन सीपीए में सिमुलेशन डाल दिया ना उन्होंने तगड़ा वाला, इसका जीरो मार्क्स सीधे अटेम बाहर, 50,000 का फटका लग जाएगा, ये इतना खतरनाक है अगर जरा समझ में नहीं आया तो, क्योंकि वैल्यूएशन अलाउंस इसमें आएंगे, जनरल एंट्री आएगी, डीटीए डीटीएल लायबिलिटी कैरिंग बेस टैक्स बेस। अगर इस लेक्चर को मैंने स्पेशली चूज किया ऐसे तो क्यों चूज किया होगा, कुछ रीजन ही है, क्योंकि इंडिया में अच्छे अच्छे लोग इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं इसको समझने के लिए, और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझना है हमें। तो अभी हमने, तो सर इसका मतलब बैलेंस शीट में सर दो आइटम होती है, बैलेंस शीट में कितनी आइटम होती है, दो, एक होती है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और एसेट दोनों के हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे, एस पर इनकम टैक्स बेस निकालेंगे और एस पर फाइनेंशियल बुक्स, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डीटीए और डीटीएल का कैलकुलेशन करना होगा। तो यहां पर जो टैक्स बेस दिया था ना वो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया, ये टैक्स बेस। अब आपको समझ में आ गया होगा टैक्स बेस का कैलकुलेशन। ये चौथी शीट खत्म हुई है मात्र, अगली शीट अब अगली शीट को समझाने के लिए, अगली शीट सबसे माशाल्लाह सबसे चैलेंजिंग शीट यही है, इसको समझाना। तो आप देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को आप रट्टाफिकेशन मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये फॉर्मूला देख लीजिए आप अच्छे से देख लो इसको, ये फॉर्मूला आपको बहुत बार काम पड़ेगा। और अभी इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने एक चीज निकाली थी पिछले एग्जाम्पल में, हमने प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम दिस इज व्हाट शो अप इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर एज पर यूएस गैप जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इनकम, या आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम। उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, एक परमानेंट डिफरेंस, और देखो प्लस भी लिखा और माइनस लिखा ऑब्लिक में, या तो कुछ परमानेंट डिफरेंस को प्लस या माइनस करना पड़ेगा,
और रिकॉग्नाइज फॉर द बुक पर्पस बट नेवर फॉर द टेक्स्ट पर्पस और वाइस वर्सा। तो अभी हम एक डिफरेंसेस को समझने वाले हैं जिसका नाम है परमानेंट डिफरेंस, और इस परमानेंट डिफरेंस को ऐड करना चाहिए या माइनस करना चाहिए अभी हम उसको ही समझेंगे। बहुत आसानी से इस लेक्चर को हम बहुत स्लो चल रहे हैं बच्चों। क्यों चल रहे हैं स्लो? क्योंकि इट कैन मेक योर करियर इन फार सब्जेक्ट। आपका फार सब्जेक्ट अटक सकता था इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण। इसीलिए प्योर रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आपको मिलेगी और लंबे लंबे लेक्चर में कवर होंगे ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे सेगमेंट आते रहेंगे आपको, लीज वाले, टैक्सेशन वाले, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले, पूरे चितले कर देंगे अपन फार के एकदम टेक्निकल टॉपिक्स के, सारे समझ में आ जाएंगे आपको। और ये वीडियोज आपकी एसेट है। अब हम यहां पर एक जो डिफरेंस समझने वाले हैं उसका नाम है परमानेंट डिफरेंस। अभी हम टेम्पररी को नहीं समझ रहे, हम पहले परमानेंट को समझ रहे हैं। तो हमने बात करी सर परमानेंट डिफरेंस। तो देखिए परमानेंट डिफरेंस का मतलब होता है ऐसा डिफरेंस, ऐसी कोई सी रेवेन्यू की आइटम या ऐसी कोई एक्सपेंडिचर की आइटम जो दोनों में से किसी एक ही बुक्स में रिकॉर्ड हो सकती है। सर दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती सर, जो किसी एक ही जगह रिकॉर्ड हो, जो किसी एक की हो जाए वो परमानेंट है। और जब जो एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाए उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट डिफरेंस। तो सर परमानेंट डिफरेंस मतलब या तो वो इनकम टैक्स की बुक्स की हो जाए या वो फाइनेंशियल बुक्स में हो जाए, दोनों में से किसी एक ही बुक्स में, लेकिन दोनों में कभी नहीं आ सकती। एग्जाम्पल, हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस। बार बार आईएफआरएस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर नॉट ओनली फॉर यूएस सीपीए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस जो बच्चे मुझसे करते हैं, एसीसीए प्रोफेशनल लेवल जो बच्चे पढ़ते हैं, एसीसीए का स्किल लेवल, यूएस सीपीए, यूएस सीएमए में भी ये कवर है, सब जगह कवर है। तो आप इसको केवल सीपीए वाले ना मान के चले। तो इनकम स्टेटमेंट एज पर आईएफआरएस और एज पर यूएस गैप, इसलिए लिख भी दे रहा हूं बार बार, और इवन जो ऑस्ट्रेलियन सीपीए पढ़ाते हैं उसमें भी कवर होता है ये। कुछ बच्चे मेरे ऑस्ट्रेलियन सीपीए वाले भी ये स्टूडेंट देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन सीपीए वाले को बता दूं वहां पे भी आईएएस 12 है, वहां पे भी मैं यही पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो हम बात कर रहे हैं आईएफआरएस और यूएस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान के चलिए हमने एक इनकम दिखाई $50,000 और एक इनकम हमने जो दिखाई है टैक्सेशन में भी, अभी सपोज दैट $50,000 ये हमने दिखा दी, और एक एक्सपेंडिचर हमने किया जो अभी इस बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, मान के चलो एक पेनल्टी दे दी हमने सर, एक पेनलाइज हमने कोई लॉ का वॉयलेशन कर दिया था, पेनल्टी दे दी। तो इनकम ये इन्होंने तो माइनस कर दिया, मान के चलो 5,000, तो ये तो कितना हो गया? 45,000 हो गया। लेकिन ये भाई साहब इनकम टैक्स क्या बोलते हैं? वॉयलेशन ऑफ लॉ, डिसअलाउड, परमानेंटली डिसअलाउड। आपको इस खर्चे की डिडक्शन कभी भी नहीं मिलने वाली फ्यूचर में। दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस। तो सर ये परमानेंट डिफरेंस है, तो ये इनकम कितनी? 50,000। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस, जो कि टैक्सेशन की बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जब आप फाइनेंशियल इनकम बनाओगे, फाइनेंशियल इनकम, तो आप तो आपकी इनकम कितनी शो कर रहे हो? 45,000। अब वहां पर शीट पे जाइए, देखो शीट पे उन्होंने प्लस माइनस लिखा है ना, तो शीट में प्लस और माइनस, तो मुझे बताइए यहां पे प्लस करें कि माइनस करें टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए? ऐड कर देंगे सर, जो टैक्स में अलाउड नहीं है वो फाइनेंशियल बुक्स में कैसे अलाउड हो सकती है? जो इनकम फाइनेंस टैक्स में अलाउड नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया? तो ये जो परमानेंट डिफरेंस था इसको हमने ऐड कर दिया, और हम किस पे पहुंच गए बच्चों? 50,000 के ऊपर पहुंच गए। और यही हमारी क्या है? टैक्सेबल इनकम है ये हमारी टैक्स, और इसी टैक्सेबल इनकम के ऊपर, इसी टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने क्या देना है? करंट टैक्स। तो एक गोल्डन वर्ड लिख रहा हूं,
परमानेंट डिफरेंस के कारण किसी भी प्रकार का कोई डेफर्ड टैक्स अराइज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर वो एक पीरियड में रिकॉर्ड फाइनेंशियल बुक्स में और दूसरे पीरियड में टैक्सेशन की बुक्स में होती नहीं, वो तो किसी एक ही जगह रिकॉर्ड हो सकती है। या तो वो टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए या फाइनेंशियल की बुक्स में रिकॉर्ड हो जाए। तो ये सर इसका मतलब जो परमानेंट डिफरेंसेस के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो हमने यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और हम इससे किसके ऊपर पहुंच गए, और इसके ऊपर जो एक्सेप्टेड टैक्स रेट है वो लगाकर हम क्या करेंगे, हमारी अधूरी कहानी को हम पूरी कर लेंगे और ये टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या करेंगे, हम टैक्स रेट लगा देंगे सर। एज सिंपल इज दैट। तो परमानेंट डिफरेंस के कारण ना कोई डीटीए बनेगा ना कोई डीटीएल बनेगा। सर ठीक है, ये बात समझ में आई। सर इनकम का कोई एग्जांपल दे दो। वैसे तो पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी एंड में, जब मेन करिकुलम पढ़ाया जाएगा। मेन करिकुलम आप सोचिए, ये मेन के पहले का ये हो ना, ये पहले की झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ये तो पहले का, आप सोचो किस लेवल पर आपको यूएससीपीए का फार पढ़ने को मिलने वाला है। तो अभी हमने क्या बात करी सर, परमानेंट डिफरेंस के कारण हमने यहां पे कर दिया। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इनकम का। अब यूएस में क्या होता है कि अगर आपने यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो इनकम टैक्स बोलता है, एग्जम्प्ट। उसके ऊपर हमको टैक्स नहीं चाहिए, हम उसको इनकम ही नहीं मान रहे। तो सर जब वो इनकम ही नहीं मान रहे तो फाइनेंशियल बुक्स में तो सोचो ये इनकम होती डिविडेंड की, अगर ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अभी मैंने मान के चला कि उसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, तो मैं इसको इंक्लूड कर देता तो मेरी बुक्स की इनकम तो 55,000 हो जाती। लेकिन यूएस भाई साहब जो टैक्सेशन भाई साहब बोले, नहीं जब इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, और आज नहीं टैक्सेबल तो फ्यूचर में भी टैक्सेबल नहीं, मतलब कभी भी टैक्सेबल नहीं है, तो सर 50,000। तो इसका मतलब सर फाइनेंशियल इनकम आपने भले 55 दिखाई हो, लेकिन टैक्सेबल इनकम के ऊपर पहुंचने के लिए हमें इस परमानेंट डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और हम किसके ऊपर पहुंच गए, तो इसीलिए वहां पे लिखा था परमानेंट डिफरेंस एडजस्टमेंट। तो सर एग्जम्प्टेड इनकम, अब रट्टाफिकेशन मत कर लेना कि सर एग्जम्प्टेड इनकम फाइनेंशियल बुक्स में से लेस होती है, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में ऐड होते हैं। ऐसा रोटाफिकेशन भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो, फिर रट्टा करोगे और मेट्रो में बैठोगे और मेट्रो में धचका लगेगा, भूल जाएंगे तो प्लस क्या करना था क्या माइनस करना था वो कन्फ्यूज हो जाएगा। लॉजिक क्या करना पड़ेगा, लॉजिक से करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमने बोला कि ये जो टैक्सेशन की बुक्स में, तो इसका मतलब सर कुछ रेवेन्यू की आइटम और कुछ रेवेन्यू की आइटम दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते सर, किसी एक ही बुक्स में रिकॉर्ड हो सकते। फाइनेंशियल बुक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो बोले एग्जम्प्टेड इनकम, जो यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे उसको इनकम मत मानो। यूएस गैप ऐसा नहीं बोलता, यूएस गैप बोलता किसी ने भी इनकम दी इनकम मान लो, पर लेकिन टैक्सेशन के लॉ है ना, वो क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं कि शेयर होल्डर को, मतलब लोग क्या करें सर, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा कि उनके बॉन्ड पे इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट। सोचिए कोई इनकम के ऊपर टैक्स ना लगे तो ऐसे बॉन्ड को लोग खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो इसलिए तो स्कीम लाती है। तो यहां पर इस प्रकार के डिफरेंट, तो जो लाइन बाई लाइन समझ रहे हैं हम, सोचो एक एक लाइन का फूक फूक के मतलब है। और अगला कॉन्सेप्ट जो रेड अक्षर में है ना, वो रेड सिग्नल इसीलिए दिया है उसको कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन है, टेम्पोररी डिफरेंस। तो टेम्पोररी डिफरेंस का मतलब, टेम्पोररी डिफरेंस का मतलब, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिपोर्टेड फॉर द टैक्स पर्पस एंड दोस रिपोर्टेड फॉर द बुक्स पर्पस। तो अभी हमने टेम्पोररी डिफरेंस के ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ लिए पीछे, लेकिन अभी सर लॉजिक से नहीं समझे, अभी भी हम समझेंगे उसको। इसमें भी लिखा है, अभी टेम्पोररी डिफरेंस समझाऊंगा ना कि टेम्पोररी डिफरेंस क्या होता है। तो टेम्पोररी डिफरेंस को भी प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर इनएक्टेड, ध्यान रखिए एक वर्ड है इनएक्टेड टैक्स रेट, एस्टिमेटेड नहीं, जो एक्ट में पास हो चुका है, जो एक्ट में करंटली चल रहा है, उस इनएक्टेड टैक्स रेट को क्या करना है, आपने अप्लाई करना है और फिर करंट इनकम टैक्स एक्सपेंसेस निकलेगा। देखो साथ में इनकम टैक्स एक्सपेंसेस के साथ में एक वर्ड लिखा है करंट इनकम टैक्स एक्सपेंस,
वो टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस नहीं है, वो केवल करंट पोर्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, टेम्पोररी डिफरेंस को समझ, बस यहां अगर आपको समझ में आ गया ना बैलेंस शीट अप्रोच, तो ये मान के चलो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तो पहले आप एक बार जरा इसको पढ़ो, क्या समझ पा रहे हो आप लोग? आप आराम से पढ़ो, इंड एस 12 माइएस 12 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट अप्रोच। इट रिक्वायर्ड रिकॉग्नाइज टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी एंड देयर टैक्स बेसिस। तो कैरिंग अमाउंट एज पर फाइनेंशियल बुक्स लेस टैक्स बेस इन द बुक्स ऑफ टैक्सेशन, हम उसमें से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? टेम्पोररी डिफरेंस। तो सर टैक्स बेस क्या होता अभी हमने समझाया है, और कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बुक्स भी समझा है, लेकिन अभी इसको और अच्छे से समझना बाकी है। अब आपको टेम्पोररी डिफरेंस की डेफिनेशन दी गई है। पढ़िए, डेफिनेशन पढ़ना है आपको। टेम्पोररी डिफरेंस वर्सेस परमानेंट डिफरेंस में टेम्पोररी डिफरेंस द फॉर्मेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ध्यान रखिए डीटीए और डीटीएल केवल किसके कारण बनता है? अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद जरा क्वेश्चन जरूर करके देखना कि आपसे ग्लैम के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस लेक्चर को आप लोग और बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं जब ये खत्म हो जाए। उसके साथ साथ ही डीटीएल चैप्टर नंबर आएगी इस ग्लैम में, ये 10वें नंबर पे चैप्टर है ग्लैम की बुक्स में, 10th नंबर पे। तो आपको 10th नंबर पर ये यूनिट मिलेगी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके सिमुलेशंस भी कराऊंगा और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ऑन अ ट्रायल बेसिस पे, कि देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई इस चैप्टर में, आप जनरल एंट्री करने लगे। तो अभी आपने डेफिनेशन पढ़नी है। सीएमए में बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को कराया जा चुका है। सीएमए में सिमुलेशंस वगैरह नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी फ्रॉम अ टेम्पररी डिफरेंस कैन ओनली ऑकर्स इफ द डिफरेंस रिवर्स देमसेल्फ एट द सम फ्यूचर डेट। अभी हमने पढ़ा था कि डिफरेंस रिवर्स होता है, ध्यान रखिए वो जो अभी हमने 70% और वो रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट, एंड सो सच एक्सटेंड द बैलेंस शीट आइटम आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द कंपनी। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं, उसके लिए हमें पहले एक अगली शीट के ऊपर आना पड़ेगा। अब देखिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे से उसमें नटशेल में समझा दिया है मैंने कि टेम्पोररी डिफरेंस को आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। सर टेम्पोररी डिफरेंस कितनी कैटेगरी में डिफाइन होते हैं? टू कैटेगरीज में, टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस। ये नाम बड़े ध्यान से अपने उसमें सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो। सर टैक्सेबल टीटीडी और डीटीडी, आने वाले समय में मैं क्या बोलूंगा? टीटीडी और डीटीडी, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। और मैंने बहुत आसान करने के लिए एक एरो बना के नीचे लिख दिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और उसके जस्ट नीचे लिख दिया डेफर्ड टैक्स एसेट। कि अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो उसके कारण डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो उसके कारण डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों को एकदम साइलेंट होगा होंगे सोच के कि
कि सर टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, वर्ड पे सोचो, टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, टैक्सेबल मतलब जो डिफरेंस है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर वो अमाउंट रिकवर होगा, वो जो डिफरेंस है वो फ्यूचर में रिकवर होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके कारण क्या बन जाएगा? DTA। आई एम वेरी मच श्योर कि बहती हवा से था वो और उड़ती पतंग से था वो, ऐसा चला गया होगा ऊपर से, कुछ समझ आया नहीं होगा। बस अब मैं ही समझाऊंगा आपको कि DTA कैसे बनता है, टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। हमने वर्ड यूज, ये ध्यान रखना, वर्ड टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। अच्छा, इसको समझने के लिए ना बेसिक अकाउंटिंग आना बहुत जरूरी है, इसीलिए शुरू दिन ही स्टार्ट नहीं करते। आप सोचो कि आपको पहले मितेश सर ने बिल्कुल बेसिक लेवल के लेक्चर दिए होंगे, डेबिट क्रेडिट समझाया होगा, फिर उसके बाद मैं कुछ दिन लिया हूं आपके लेक्चर, 5-6 लेक्चर मैंने पहले ले लिए जिसमें मैंने आपको अक्रूड आउटस्टैंडिंग के बारे में समझाया, इनकम स्टेटमेंट के बारे में, फिर हम आए इस बड़े सेशन के ऊपर। तो टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस जो है उसके कारण क्या बन रही है, तो पहले डेफिनेशन भी पढ़ें कि टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस कब अराइज होता है। तो नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है यहां पे। अब आप इसको पहले पढ़ो, फिर देखो, अगर आप डेफिनेशन पढ़ के लॉजिक से एग्जांपल लगाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है हमें। Taxable temporary differences are the temporary difference that result is in a taxable amount in the future. When determining taxable profit as the relevant balance sheet item is recovered or settled. When the carrying amount of assets is exceed tax base. क्या बोल रहे हैं, बस इस line के ऊपर focus करना है। When the carrying amount of asset is exceed tax base, क्या बोल रहे हैं, ये लिख दे रहा हूं ताकि आप है ना सामने रखोगे ना और एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आएगा। When carrying amount is exceed tax base, carrying amount of asset लिखा है वो भी ध्यान रखना, carrying amount of the assets मैंने यहां लिखा नहीं, carrying amount of अब सोचिए मैं आपको एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं और एग्जाम्पल इतना सिंपल बनाएंगे हम कि आपको बिल्कुल ध्यान अगर आपका पूरा रहा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देखो किससे आसानी से समझ में आएगा ये। अब आपने एक मशीन खरीदी, मशीनरी खरीद के लेकर आए 1.5 लाख रुपए की, या इन US में तो $10,000 की, $10,000 की हमने मशीनरी खरीदी है और ये हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाना है, मान के चलिए US गैप ने आपको पहले साल में, ये US गैप ने बोला कि हम आपको 10% के हिसाब से 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन देना चाहते हैं। ये हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया सर, कैरिंग अमाउंट हो गया 9,000। यही बुक्स थी टैक्स की, कोड टैक्स कोड, मशीनरी सर वही 10,000 की थी, बस यहां पर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा। उन्होंने बोला कि आपने यार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो 5,000 का पहले साल में डेप्रिसिएशन दे देते हैं। तो अब ये हमारा टैक्स का बेस बन गया, ये हमारा क्या है, टैक्स बेस है, दिस इज अवर टैक्स बेस, ये लिख दे रहा हूं। दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि सर डिफरेंस बोला था ना आपने, डिफरेंस कितना है सर, ये वो जो 4,000 है। अब जब अब पूरी डेफिनेशन पढ़े, व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स इज एक्सीड द टैक्स बेस, तो देखो जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स है वो टैक्स बेस से क्या है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो कितनी ज्यादा हो रही है सर, 4,000 ज्यादा हो रही है।
तो जो बच्चे केवल मगअप करने में बिलीव करते हैं, वैसे मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि बच्चों आप रटें, कभी कभी नहीं चाहूंगा मैं, आप समझें। लेकिन अगर एग्जाम में आप स्किप कर जाएं तो ध्यान रखो कि अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस तो हमेशा क्या बनेगा, DTL। पहली बात तो ये कि अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स इज ग्रेटर देन टैक्स बेस तो हमेशा क्या बनेगा, DTL बनेगा। उसका लॉजिक नंबर वन, इनकम अप्रोच, जो कि सेल्फ कंपोज लॉजिक है, ऐसा लॉजिक IAS और IFRS कंसीडर नहीं करते, बट सिर्फ समझने के पॉइंट। इनकम अप्रोच से देखिए, आपने एक्सपेंडिचर, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये इतना टेक्निकल पार्ट है, बच्चे हम मिस कर जाते हैं बहुत बार, फिर आपके ना दिमाग में हो जाएगा यार वो क्या था, ऐसे सोचना शुरू करोगे। एक्सपेंसेस अप्रोच, आप मुझे बताइए आपने US गैप में एक्सपेंडिचर कितना चार्ज किया, 1000, और सर टैक्स में कितना चार्ज किया, 5000। तो सर जब इनकम टैक्स में हमने 5000 खर्चा डाला तो हमारी इनकम टैक्स की प्रॉफिट क्या हो गई होगी, ज्यादा खर्चा डालने के कारण कम हो गई होगी। लेकिन US गैप में हमने खर्चा कम लिखा तो हमारी इनकम क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। हमारी इनकम क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। बट हम टैक्स किसके हिसाब से भरते हैं, टैक्सेशन के हिसाब से, तो हमने क्या कम करा होगा, लेस टैक्स भर दिया होगा। आज कुछ बच्चों को पेशेंस ही नहीं आ रहा, उन्होंने इमीडिएटली मैसेज भी लिख दिया। हाँ ठीक है, तो लेस प्रॉफिट, आप देखो यहां पर हमने लेस प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है ना इससे, तो लेस टैक्स भरा होगा, तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। तो कोई चीज फ्यूचर में भरनी हो तो वो एसेट थोड़ी हो सकती है, जो फ्यूचर में कोई टैक्स भरना हो, फ्यूचर में तो भरना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि डिफरेंस टेम्परेरी है। तो जो चीज फ्यूचर में भरनी पड़ेगी उसके कारण हमेशा क्या बनेगा, लायबिलिटी। तो सर एक रटने के हिसाब से अगर हम समझ लें, रटने के हिसाब से, कि अगर सर फाइनेंशियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेशन इनकम, तो हमेशा क्रिएट हो जाता है DTL। ये एक गोल्डन वर्ड लिख दिया मैंने। सर यहां पर जो आ रहा था, अगर हम देखें तो लॉजिक से देखें, तो सर यहां पे कैरिंग अमाउंट 9000 थी और यहां पे डिफरेंस कितनी थी, 5000 की थी। तो ये जो डिफरेंस है, अब आप सोचिए अगर फ्यूचर में, अब मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे आ रहा हूं, बैलेंस शीट अप्रोच को थोड़ा सा और ज्यादा बड़े लॉजिक से सोचना पड़ेगा आपको। अब अगर फ्यूचर में इस एसेट्स को बेचेंगे, मान के चलो इस एसेट्स को हमने फ्यूचर में मान के चलना है 25000 में बेचा, तो फाइनेंशियल बुक्स फ्यूचर में बेचेंगे ना, फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट कितना आएगा कोई बता सकता है, फ्यूचर में अगर 25000 में बेचेंगे इसको। मैं प्योरली लॉजिक पे चले जाऊं तो कई बार ज्यादा लॉजिक बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होते, तो मैं नीचे इसलिए लिख देता हूं, बहुत ज्यादा लॉजिक से भी सोचना कई बार डेंजरस हो जाता अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़े से वीक हैं तो। बट स्टिल मैंने लिख दिया फाइनेंशियल बुक्स में, बेटा कितना प्रॉफिट आएगा मुझे बताइए, फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट कितना आएगा अगर ये एसेट्स को बेचेंगे 25000 में, तो बताओ जल्दी। फाइनेंशियल बुक्स में प्रॉफिट कितना आएगा अगर इस बुक्स, इस एसेट्स को हम फ्यूचर में बेचेंगे तो, फाइनेंशियल बुक्स में सर जो कैरिंग अमाउंट 9 थी 25 में बेचेंगे तो सिंपल बात है ना सर, 25000 में से 9000 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 16000 आएगा। और सर टैक्स की बुक्स में कितना आएगा अगर ऐसा हुआ तो,
तो सर टेक्स्ट की बुक्स में प्रॉफिट कितना आएगा पता है? 20,000, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4,000। तो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी सर, तो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। और जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो उसके कारण हमेशा क्या बनेगा? DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फ्यूचर में क्या बनेगा? ये जो देखो, ये जो 4,000 की इनकम है, ये 20 की इनकम है, ये डिफरेंस वापस से 4 आया, तो देखो यही चीज कितने में भी बेच लो सर, 40 में भी बेच लेते ना तो भी 4,000 का ही डिफरेंस आना है सर। यहां पर कितना आता? 21,000 प्रॉफिट आता, 21,000। और यहां पर कितना आता? 25,000। 9 है, कैरिंग अमाउंट 9 में से 40 गया तो 31 बचेगा ना, ये 31,000 आता, और वहां 5 है तो वहां कितना आता? तो अल्टीमेटली फ्यूचर में जो चीज टैक्सेबल हो जाती, मतलब अगर फाइनेंशियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम है, तो हमने देखो फ्यूचर के टैक्स कॉन्सिक्वेंस के अकॉर्डिंग भी क्या समझ लिया? DTL और DTA का कॉन्सेप्ट समझा। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। क्या बोलते हैं? कि बैलेंस शीट अप्रोच में आपको कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना पड़ता है किससे? टैक्स बेस से, और जो डिफरेंस आता है उसके कारण DTA या DTL। लेकिन ये वाले लॉजिक अप्रोच कई जगह फेल हो जाएगी, ध्यान रखना, वो मैं आपको एग्जांपल, लेकिन मैंने इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम है तो हमेशा क्या बना लो? DTL बना लो। और आज का लेक्चर फिर हम इतना ही रखेंगे फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि DTL और DTA का कंपैरिजन मुझे आपको समझाना है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि 2 घंटे से ज्यादा कोई भी बच्चे क्लासेस ले नहीं सकते, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता अगर वो, तो इतने डिफिकल्ट लेक्चर को हमने समझने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आपको एक अंदाजा भी लग गया होगा असली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा पढ़ने की, अगर फार सब्जेक्ट निकालना है। 1-2 घंटे की स्टडी अगर आप सोच रहे हैं कि सर वर्किंग प्रोफेशनल है, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं मैं, मार्केटिंग का कोई ट्रैप नहीं है कि सर 2 घंटे में सीपीए हो जाता है, 4 घंटे में हो जाता है। अगर आपको 2 घंटे सीपीए कोई बना हुआ मिल जाए तो मुझे जरूर मिलाना उससे, कि 2 घंटे नहीं, कम से कम डेली क्लास के बाद आपको 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वीकेंड में 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर ग्लैम के हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना पड़ेगा क्लास के आने के बाद। जैसे ही हमारी यूनिट फिनिश हो जाएगी उसके बाद सारे MCQ करना पड़ेगा, सिमुलेशंस करना पड़ेगा। जब एक यूनिट फिनिश होगी तब दूसरी यूनिट पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सीपीए बनने के काबिल होगे। और सेम बात USCMA स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूं कि टॉपिक खत्म होते से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, इंतजार नहीं करना है, नहीं तो जो 6 महीने का कॉन्सेप्ट लगता है ना, 6 महीने में हो जाता है, साल भर में सीपीए हो जाता है, लेकिन सीपीए साल भर में करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो था फर्स्ट पार्ट था, ये था जो फर्स्ट पार्ट था, आपको ऐसा पार्ट अगला इसके जो आगे कॉन्टेक्स्ट में लेक्चर कवर होगा ना, वो हमारा गुरुवा जो हमारा एडवांस फंडामेंटल लेक्चर था उसके कॉन्टेक्स्ट में यहीं से आगे वो बढ़ेगा, और ऐसे नए नए लेक्चर्स आते रहेंगे लीज के, बिजनेस कॉम्बिनेशन के, भारी भारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनके, ऐसे एक वर्कशॉप काइंड ऑफ जिसमें पूरी आपको शीट मिल जाएगी ऐसी, इसके वीडियोस मिल जाएंगे, आप इसको बढ़िया पढ़ो अच्छे से और सारे MCQ कर दो, और कुछ सिमुलेशंस भी मैं क्लास में कराऊंगा सीपीए वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि सिमुलेशन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, अगर और वो तभी करा पाऊंगा जब आप कुछ पढ़कर आए होगे, नहीं तो मैं नहीं करा, मैं नहीं समझा। मेरे YouTube पे पब्लिकली वीडियोस अपलोड होते हैं सिमुलेशन सॉल्व के, और 20-25 सिमुलेशन में ग्रुप में डाला हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि सिमुलेशंस आपको आर्ट, मैंने सिमुलेशन सॉल्व करने का डेवलप करना है। MCQ तो कोई भी कर लेता है, तो लाइव क्लास में हम लोग सिमुलेशन करेंगे, लेकिन कब? जब आप लोग पहले अच्छे से पढ़ोगे तब। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम अगले डे पे।